एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। रेखा की जीभ और निचला जबड़ा हमें निकालना पड़ा। उनका हाथों का दो छुरी बेच दिया। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। दुनिया महादेशों में बंट गई, महादेश प्रदेशों में बंट गए, प्रदेश राज्यों में बंट गए। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य बन गया। हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा था, इसलिए फैसला किया गया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम होगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बाधित होने की वजह से और जो कमिश्नर रामकृष्णन इसे सुधारना चाहते थे उनकी हत्या की वजह से अमरावती को राजधानी बनाया गया। आज तक मर्डर के उद्देश्यों का पता नहीं चला और आंध्र प्रदेश में कोहराम मच गया। अब मैं होम मिनिस्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना बयान दे दे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और मैंने एक ज्वाइंट डिसीजन लिया है। अगर ये असेंबली से सहमत है तो 2 महीनों के भीतर ही हम कमिश्नर के खूनी को पकड़कर वजह का पता लगा सकते हैं। मैं इसका आश्वासन देता हूँ। आप खूनी को कैसे पकड़ पाएंगे, पहले हमें समझाइए। हमने तमिलनाडु के होम मिनिस्टर मिस्टर रामनाथन से बात की। उन्होंने एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर को हमारे स्टेट में भेजने के लिए मना कर दिया। क्यों, हमारे यहाँ ऐसे पुलिस ऑफिसर नहीं है क्या? बिल्कुल, लेकिन 1 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्या मतलब? पिछले दिनों वाइजैक सिटी, चेन्नई और तूतीकोरिन के पोर्ट सिटीज में उन्होंने काफी नाम कमाया है। वो साउथ अफ्रीका जाकर एक इंटरनेशनल क्रिमिनल को अरेस्ट भी करके लाए हैं। द मोस्ट पावरफुल पुलिस ऑफिसर को हम यहाँ ला रहे हैं। कौन है वो? द सिंगल लॉयन सिंघम। शेर को फोटो में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा या पिंजरे में देखा होगा, लेकिन कभी खुले में शान से चलते हुए देखा है? खूंखार होकर शिकार करते हुए देखा है? उसके पंजे में कितनी ताकत होती है पता है? देखना चाहता है? देखना चाहता है? या। तू शायद एक बात नहीं जानता, शेर चाहे किसी भी जंगल में क्यों ना हो, वो अपनी फितरत नहीं भूलता। तू मुझसे कभी नहीं बच पाएगा। King of the Indian Ocean. Wherever you are in the world, I'll come in front of you. I'll arrest you. I'll drag you and put you in the same cell where you escaped from. And I'll make you realize the power of Indian police. लेकिन दूसरे राज्य से पुलिस ऑफिसर को यहाँ आने की अनुमति कानून नहीं देता। इसीलिए इस केस को हम सीबीआई में ट्रांसफर करेंगे और सीबीआई द्वारा उसे डेप्यूटेशन पर लेकर आएंगे। इस तरह कमिश्नर के मर्डर केस और राज्य में फिर से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की जिम्मेदारी उसे सौंपेंगे। पुलिस ऑफिसर का नंबर हमें मिल गया भाई। नंबर बता। 88781। तुम सिंघम हो ना? अरे पुलिस वाले, हमारे स्टेट में मत आना, हमारे शहर में आते ही तुम्हारा पैर काट दूंगा, तो चलने के लायक नहीं रहेगा। क्या बोलता है, क्या बोलता है वो? जल्दबाजी में बाल काटना भूल गया, आकर काट लेना बोलता है। उसका पैर ही नहीं, गला भी काट डालो। हाँ भाई। Thank you.
गीदड़ों की फौज शेर से लड़ोगे? किसने किया था? हिम्मत है तो सामने आकर मेरे मुंह पर कहकर दिखाओ। मेरा चाहे कहीं भी ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मैं एक बात नहीं भूलता, अपनी ड्यूटी दिल से निभाना। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। आई एम एन इंडियन पुलिस ऑफिसर। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ आने वाले नए डिप्टी कमिश्नर तमिलनाडु के कई गुंडों की चड्डी उतार चुके हैं। अगर तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ की तो उनकी टोपी उतरवा देंगे सर, या उनकी बेल्ट उतरवा देंगे। तुम कौन हो? सर आ रहे हैं, साइड में खड़ी हो जाओ। एक्सक्यूज मी सर, एक ऑटोग्राफ चाहिए। आप? आई एम विद्या सर, मैंने सुबह रेलवे स्टेशन में आपसे ऑटोग्राफ मांगा था पर आपने दिया नहीं। मुझे लगा आप यूं ही मांग रही हैं। आप तो काफी सीरियस हैं। मेरा ऑटोग्राफ लेकर क्या करेंगे? एक पब्लिक प्लेस में 10 गुंडों की बैंड बजाने की तो हिम्मत किसी भी पुलिस ऑफिसर में नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ हीरो इन द पुलिस डिपार्टमेंट। सिंघम, आई लाइक लायन सर। शरीफ लड़कियों को पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहिए। तो फिर आपके घर आ जाओ सर। होशियार लड़कियों को भी नहीं। उनसे पूछिए क्या मैं उनसे अकेले में बात कर सकती हूँ। सर हमें बताया गया है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। हमें पता नहीं था सर कि आपने अकेले 10 गुंडों की ऐसी तैसी कर दी। सर वो लोग हैं कौन? मुझ पर अटैक क्यों किया? कुछ पता लगा है? हम लोगों ने पता लगा लिया है सर। उनका जो मोटिव था वो बहुत ही घटिया था। सर क्या? उन्हें आपका ब्लू कलर का शर्ट पसंद नहीं आया, इस वजह से उन्होंने आपके ऊपर अटैक कर दिया। सर ब्लू कलर पसंद नहीं है, ऐसा है तो उन्हें फौरन छोड़ दो। सर हमने FIR लिख ली है सर। तो उसे भी फाड़ दो। फाड़ डालो। आपने तो कहा था कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, ये तो बहुत लूज है। सर कमिश्नर मर्डर केस के सारे रिकॉर्ड्स इस फाइल में है सर। ओ, मैं यहाँ कमिश्नर के मर्डर के सिलसिले में थोड़ी आया हूँ। मैं तो यहाँ 2 महीनों के लिए आराम से खा पी कर मौज करने आया हूँ। पहले दिन ही काम दे दिया। सर मैं SI श्रीनिवास हूँ, दिस इज कांस्टेबल हनुमंत। इसे आपकी मदद के लिए CBI की तरफ से अपॉइंट किया गया है। कुछ दिनों के लिए ये बातें किसी को पता न चले। यस सर। वो फाइल टेबल पर नहीं होनी चाहिए, उसकी सारी डिटेल्स की सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में फीड कर दो। यस सर। यहाँ के सभी ऑफिसर्स के कैरेक्टर्स और सर्विस रिकॉर्ड्स मुझे 2 दिन में चाहिए, इंक्लूडिंग सुभाष। श्योर सर। कल ट्रेन से आते वक्त सुबह किसी ने मुझे फोन किया था, ट्रू कॉलर में उसका नाम शिवा दिखा रहा था। सर वो रेड्डी का आदमी है। डिड यू मीन MS रेड्डी? यस सर। मधुसूदन रेड्डी, वाइजेक सिटी और पोर्ट को डर और आदमियों की ताकत से अपनी कंट्रोल में रखने वाला बिजनेसमैन और दादा, सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर रामप्रसाद का सपोर्टर है। रेड्डी की अनुमति के बिना वाइजेक पोर्ट में ना तो कोई कंटेनर अंदर आ सकता है और ना बाहर जा सकता है। अपना साथ देने वालों को वो मालामाल करता है और उसके खिलाफ जाने वालों को बर्बाद कर देता है, यही उसका उसूल है। सबका दिमाग चढ़ने गया था, पुलिस वाले पर तुम सबने हाथ उठाया। वो ऑफिसर पुलिस कमिश्नर के खूनी को पकड़ने यहाँ आया है और उसी से तुमने पंगा ले लिया। अगर उसने तुम्हें उनके खून करने के जुर्म में अंदर कर दिया तो तुम लोग क्या कर लोगे? पुलिस वालों से पंगा लेते हो तो जीत कर दिखाओ, दबा हो जाओ। विट्ठल सर को फोन लगाओ। Sir, Reddy's online. Put him on speaker. Here. Bolo Reddy. Vikram sir. Rusty Valley. Who's your daddy?
Mr. Vithal Prasad, Chairman and Managing Director of Vithal Steels, the 28th richest man in India and an Australian citizen. Pitaji Ram Prasad, Central Aviation Minister, or Ma Rebecca, the British woman. Sir, Stifford's wife, office mein wait kar rahe. Ask them to have lunch. ऑस्ट्रेलिया के टोटल आयरन स्क्रैप का कॉन्ट्रैक्ट लेकर इंडिया में अपने चार स्टील फैक्ट्री में उसे इंपोर्ट करने की वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हाई कमिश्नर की खास उपाधि दी। Hi, Vithal. How is the food? Delicious. And where's the agreement, Steve? What? Don't hit my wife. Where's the agreement, Steve? Which agreement? The one you signed against me with Melbourne Medical University. Is this how you behave with me? I'll tell you. It's in the bank locker. Which bank? Bank of Melbourne. Take him to Melbourne. I need the agreement by tonight. Peter, please, leave her. I'm sorry, baby, but your husband forced my hand on you. If he was an Indian husband, he would have confessed to me on the very first lap on his wife. Divorce him? I'm sure you will get very good guys for your numbers. I'll get your topmost treatment. Don't worry about it. How did you get injured? I fell from the fourth floor. No! You fell from the first floor. Okay. Call my chopper! Come on! Be careful! Come on! Be careful! Don't worry, everything will be fine. Sign VH. Rahim and Holul. Hello, my son. Mom, is Dad with you? Darling, it's Vithal. Dad, ready? Call me from Vishakhapatnam. कोई पुलिस ऑफिसर और सीबीआई के बारे में बकवास कर रहा था। Everything happened because of that. सीबीआई डायरेक्टर मेरा दोस्त है, मैं बात करता हूँ। Then you deal with it. खुशी आप। हेलो, वो कांस्टेबल विजय किधर है? वो सोना को पकड़ने गया है सर। अरे वो औरत तो बहुत बड़ी राउडी है। तूने सोना सोना गाना क्या गाया तो तुझे क्या लगा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ? मैं पुलिस वाला हूँ और तुझे कैद करने आया हूँ। तुम पुलिस वाले हो या कोई फुलिश हो, उससे मुझे क्या, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पहले मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाओ, फिर मुझे अरेस्ट करो, उसके बाद जो मन करो। मेरी उम्र तुमसे बहुत कम है। लेकिन तुम्हें बहुत दम है। अरे मैं तुमसे बहुत दुबला हूँ। लेकिन बहुत उबले हुए हो। दीदी के गोरे गोरे गाल है। तू मेरे बाल है। दुबला और उबला है, इसलिए मेरी दीदी तुझे पसंद करती है, समझ गया? अगर तेरी दीदी को मेरे गाना गाने से प्यार हो गया है तो इससे के जाकर ओरिजिनल सिंगर से प्यार कर। अरे वो तो मुझसे भी दुबला है और बहुत स्टाइल में रहता है, उसे लाकर तेरी दीदी से शादी कराओ और मेरा पीछा। कमिश्नर का मर्डर केस किसने डील किया था? मैंने किया था सर। उन्होंने जो मोबाइल लास्ट में यूज किया था अभी तक रिकवर क्यों नहीं हुआ? मैंने मर्डर स्पॉट में खोजा था पर नहीं मिला सर। पूरे एरिया में खोजा था सर पर गन नहीं मिली सर। सर चाय सर। हाँ सॉरी सर। ठीक है दे दो सर। नए डीसीपी अंदर है। अरे नया है ना? अरे तो सिंघम सर है, आप यहाँ कैसे आए सर? तुम सर को पहले से जानते हो क्या? मैं बिल्कुल जानते हैं। चिंगम चिंगम ये है चिंगम। सर मैं भी आपके गांव से हूँ सर। आपने उस क्रिमिनल को फांसी की सजा दिलवाई थी ना, और फिर दूसरे क्रिमिनल से जेल में आटा पिसवाया था। ये सब मैं जानता हूँ सर। सर घर पर आपकी वाइफ अच्छी है ना? हेलो सर का कोई नहीं है, इनकी शादी नहीं हुई है। ओ श्रीकांत, सर की शादी के वक्त मैं भी उनके गांव में था। इनकी शादी के फोटो जो भी न्यूज़पेपर में आए थे उन सबकी कटिंग्स मेरे पास है। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? सॉरी सर, आपकी वाइफ भी आई है सर? नहीं। क्यों सर? वो मेरे साथ नहीं रहती। क्यों सर? डिवोर्स हो गया। ये आप क्या बोल रहे हो सर? अंदर आओ, डिटेल में बताता हूँ। सर 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 बताता हूँ। सॉरी सर सर, आई एम विजय सर, अब मैं जा रहा हूँ सर। नो इनकमिंग, ओनली आउटगोइंग। कमिश्नर के केस को हैंडल करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से मुझे मिलना है। सर वो मेडिकल लीव में है सर। सर वो रोज रात को रॉयल कैसीनो बार में आते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं सर? हेलो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? यहाँ आया हूँ तो दिखाना होगा ना कि काम कर रहा हूँ। वो रॉयल कैसीनो बार कहाँ है, चलकर देखते हैं। इंक्वायरी के लिए नहीं, बस यूं ही एंजॉय करने के लिए। सर एसी सर अंदर बैठे हैं। मुझे जैसी ना कोई हसीना, मेरा जलवा के चखना। आपका स्वागत है सर, आइए सर यहाँ पे। जा जाना सर। मुझे जैसी ना कोई हसीना, मेरा जलवा के चखना। आप चाहे तो नेटवर्क रिपोर्ट निकाल कर देख सकते हैं। तुझे आ जा जाना। क्यों आपने नहीं देखा है? Yeah.
सोनी सोनी कितनी सोनी बन जा तू मेरी दिल की रानी ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे हो बना नहीं मुझे छू सके कोई ऐसा जहां मैं पैदा हुआ नहीं दिया किसी ने टेंशन जब भी सर उसका ही तोड़ दिया सिंह की जैसी गर्ज है मेरी दुनिया सारी काम तू सोनी सोनी चित्ती सोनी बन जा तू मेरी एनर्जी जाने सोनी सोनी कितनी सोनी बन जा तू मेरे दिल की रानी जब रातों को होती है चोरी होती है रॉबरी मेरे अंदर के सिक्स्थ सेंस से सबकी खबर है होती जब रातों को होती है चोरी होती है रॉबरी मेरे अंदर के सिक्स्थ सेंस से सबकी खबर है होती मैं रातों का राजा तू रूप की रानी मैं रातों का राजा तू रूप की रानी बचा दूं मैं सबको ओ सोनी सुन सोनी ओ सोनी 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 सुन ले सोनी बन जा तू मेरी एनर्जी टॉनिक तू सोनी 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 कितनी सोनी बन जा तू मेरे दिल की रानी आंखों में शोले सबसे ताकतवर ईमानदार भी जनता का सेवक मैं हूँ खिलाड़ी हर एक फील्ड का अल्ट्रा स्टैंडिंग हूँ मैं हर जगह अपन की पहुंच हो बिड़ू जीपीएस के जैसे लाती है ये तन हाथों में कितना दम अच्छा दूं मैं हलचल आया देखो ओ सोनी सोनी तू सोनी सोनी कितनी सोनी बन जाती मेरी वहां किसी को खड़े होने को बोलो चार लोग आगे आइए बस वहीं रुक जाइए टेक पोजीशन शूट नाउ किक हिम स्टॉप टर्न टर्न This angle. Now shoot. Okay, let's go. कंपनी देने के लिए साथ में डांस किया था इज्जत की वाट लगा दी और घोड़े धोने को बोल दिया सर इसे रिस्पेक्ट कहते हैं आप ही कमिश्नर विशाल है ना कमिश्नर कमिश्नर सर जिंदाबाद कमिश्नर सर जिंदाबाद तुम जैसा समझती हो मैं बड़ा सी वाला नहीं हूँ जे सी नहीं ए सी नहीं तो डी सी सिर्फ साधारण पी सी आई सी वो सब ठीक है तुम्हें क्या चाहिए मैं सिंघम से मिलने आई हूँ कौन से सिंघम से डीसी सिंघम यही काम करता है ना यही काम करता है hey, हमारे सर को तुम तू तड़ाक से कैसे बुला सकती हो वी आर फ्रेंड्स हम ऐसे ही बात करते हैं सर आपकी फ्रेंड आई है ये इनके फ्रेंड कैसे बन गई जिस दिन ऑटोग्राफ लिया था उसी दिन फ्रेंड बन गई ऑटोग्राफ लेने से कोई फ्रेंड बन जाता है हाँ, और फोटोग्राफ लेने से क्लोज फ्रेंड आखिर बात क्या तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो तो आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ तुम्हें क्या चाहिए सर मैं आप जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को बहुत पसंद करती हूँ इसीलिए फ्रेंड बन गई इस फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं मेरी शादी हो चुकी है लेकिन आपका डिवोर्स भी हो गया ना ये सब तुम्हें कैसे पता मैंने आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है और मैं बहुत मॉडर्न हूँ इसीलिए मुझे आपके डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं चुप बहुत बोलती हो दिमाग खराब है क्या
किससे कैसे बात करते हैं पता नहीं। सॉरी सर, सॉरी। आउट। मुझे लगता है आपका मूड ठीक नहीं है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मैं बाद में आऊंगी। अकल के दुश्मन, किसी को भी अंदर लेकर आ जाओगे? सर मेरी दादी ने बताया कि कोई मर्द सच नहीं बोलता और औरत कभी धोखा नहीं देती। किधर है तेरी दादी? ऊपर चली गई सर। चाची के पास। सबके सामने मुझे अपना फ्रेंड बोलने के लिए शर्मा रहे थे, लेकिन मुझे ये शर्माना वरमाना लाज लज्जा तो आती ही नहीं। मुझे भी शर्म धर्म लाज लज्जा ऐसा कुछ भी नहीं है। बेताली। वैसे जाते वक्त मुझे जरा कोर्ट में छोड़ देना। Yes. I'm Kavya from India Cycles. बोलिए। मेरे ऑफिस से साइन किए हुए दो चेक लीव्स घूम गए हैं। अमाउंट भी नहीं भरा था। बिना अमाउंट भरे चेक्स साइन करना गलत है पता है? हाँ गलत तो है, बट इमरजेंसी पर्पस के लिए ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो चेक को ब्लॉक कीजिए। इंस्पेक्टर सर, इनके ऑफिस में सभी से पूछताछ करो। सबसे कहना कि पहले चेक ढूंढ लें। ओके सर। क्या पता चेक ऑफिस में ही हो और ध्यान न गया हो। ओके ओके सर। यहाँ की दुकानों की कंप्लेंट आई है सर। कैसी कंप्लेंट? वो कॉफी में गांजा मिलाते हैं और आइसक्रीम में अफीम मिलाते हैं सर। वाह, तो चलो फिर टेस्ट करते हैं। सर विशाल, तुम्हारे सर कहाँ हैं? वो अभी मॉल में है। सुनिए, हमारी बेटी कहीं दिखाई नहीं। सर वो देखिए, रेड्डी का आदमी एक बच्ची को लेके जा रहा है। अरे मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची को लेके जा रहा है वो। ए, रुको रुको, मेरी बच्ची। कस्टम ऑफिसर है ना तू? बहुत बड़ा तोप है क्या? सुना है कंटेनर को जाने नहीं दे रहा है तू। ये ले पेपर और साइन कर इस पे। तुम ये रुको, मैं अभी आता हूँ। मेरी पत्नी ऑस्ट्रेलिया का कंटेनर है, वो भी रेड्डी का। अब भी नहीं छोड़ेगा तू से। आप साइन कीजिए। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन है? हे विशाल, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। आप पुलिस ऑफिसर है और इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? किसी में हिम्मत नहीं कि रेड्डी के कंटेनर को रोक दे। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं कंटेनर के पेपर्स में साइन नहीं करूंगा। तू साइन नहीं करेगा। साइन नहीं करेगा ना? मैं बात कर रहा था ना, औरत पर हाथ डाला, बुरी आदत है पता नहीं है क्या? माँ बहन बीवी देवी होती है, उनकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत से खिलवाड़ नहीं। जाइए जाइए, छोड़ना मत उसे। पुलिस पर हाथ उठाता है, इतनी हिम्मत? अभी चार कंटेनर छोड़ा। कंटेनर को छोड़ दिया, उसी ने साइन करवाया। गाड़ी निकालो, जाओ डीसी को यहां बुलाओ। सर ये रवि का एरिया सर, हम वहां कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। सर रेड्डी आपसे मिलना चाहते हैं सर। अंदर आने का हो सर, आपको जाकर मिलना होगा। मैं समझा नहीं सर। रेड्डी ने आज तक पुलिस स्टेशन के अंदर पैर नहीं रखा है,
इसीलिए आपको ही जाकर उससे मिलना होगा। कह दो मैं नहीं आ सकता। जी सर। डीसी ने कहा कि वो नहीं आ सकता। गाड़ी निकालो। हेलो। रेडी सर, मैं सिंघम बोल रहा हूँ। बोलो। मेरी बात आप फौरन समझ जाएंगे, किसी को पता ना चले कि मैं आपका आदमी हूँ, इसलिए मैं आपसे मिलने बाहर नहीं आया। समझ गया, तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। हाँ जरूर, हम दोनों की मुलाकात आप कभी भूल नहीं पाएंगे। समझा नहीं। आपका जन्मदिन हो सकता है या आपकी शादी की सालगिरह। स्टेशन में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। बैठे बैठे क्या खा रहे हो? मूंगफली का गोला है। ठीक है खाओ। हाँ सर, वो चने का गोला है ना? ये मूंगफली का गोला है और ये उसका छोटा भाई चने का गोला। सुबह सुबह दिमाग खा रहा है, सिलेंडर को कच्चा पहना है, एक सीनियर ऑफिसर से मजाक करता है। भाग इधर से। क्या हुआ? अरे वो मूंगफली के गोले को चने के गोले बता रहा है, मजाक कर रहा था, दिया कान के नीचे बजा के। ये लीजिए बिमला ऑरेंज खाइए। थैंक यू। ओए ये तो कमला ऑरेंज है ना? ये है कमला ऑरेंज और वो इसकी छोटी बहन विमला ऑरेंज। तो फिर ये उसकी माँ आमला ऑरेंज है और ये उसकी नानी प्रमिला ऑरेंज है क्या? मेरे भाई आपको पता नहीं है? मुझे तो पता नहीं। क्या कर रहे सर? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है। बैलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन से कमिश्नर की बॉडी में जो गोली मिली वो एक कंट्रीमेंट गन से फायर हुई थी सर। एंट्री वाउंड बड़ा था, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस से फायर किया गया था। यहाँ पर लोकली मेड गन्स कहाँ पर मिलती हैं? सर वो रवि उन गनों की डीलिंग करता है। विल मीट सून सर। श्योर, थैंक यू। सर वो विद्यार्थी है सर, लगता है आपको बहुत लव करती है सर। सर सर सर, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ सर। क्या कर रही हो? पब्लिक प्लेस में ऐसे आकर बैठ गई? तो क्या प्राइवेट प्लेस में ऐसे बैठू? उठो सर। मैंने कहा उठो। मुझे आपसे थोड़ी अकेले में बात करनी है। जो भी है वहीं से बताओ। मैं आपसे आपसे मैं आपको लव नहीं करती हूँ सर। अब, 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 अरे ये तुमने क्या कह दिया? लव करने के लिए तो तुम सर के चारों तरफ घूम रहे। बेशर्म, पहले यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊँ सर? रेस्टरूम कहाँ जाकर देख रहा हूँ। यस सर, तुरंत देखकर आता हूँ। सर मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ सर, ये है मेरा पासिंग सर्टिफिकेट, ये है मेरी हॉल टिकट और ये है मेरा आईडी कार्ड। सर मैं आईपीएस एग्जाम देने वाली हूँ, आपको फॉलो करने से कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए पीछे आती हूँ। अकाउंट सेटल कर दीजिए। ओके मैम। उस दिन ऑटोग्राफ लेते समय आईडी कार्ड क्यों नहीं दिखाया? आईडी दिखाने से क्या हो जाता? रेलवे स्टेशन में आने से मना कर दिया, पुलिस स्टेशन में आने से मना कर दिया और यहाँ भी आने से मना कर दिया, तो मैं आईडी क्यों दिखाती? हेलो, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहती हूँ, मैं आपके पास ही हूँ। यही मिलना है क्या? हमारी कंपनी का गेस्ट रूम है, रूम नंबर 406। एक्सक्यूज मी, रेस्ट रूम कहाँ पर है? वो देखिए ना। थैंक यू। मैंने तुझसे रेस्ट रूम पूछा और तू मुझे टॉयलेट दिखा रहा है। गेस्ट रूम, लिफ्ट रूम, पावर रूम, बाथरूम भी अपनी जगह पर है, लेकिन ये रेस्ट रूम दिखाई नहीं दे रहा है। PANTRY, पांट्री रूम, पैंट बदलने के लिए भी रूम दिए गए हैं। उस दिन पुलिस स्टेशन में मैंने आपसे झूठ बोला कि चेक मिसिंग है। पता था। आपसे मिलना चाहती थी, मिलने के लिए तो कोई बहाना चाहिए। आप ही ने बताया था कि लड़के को लड़की से मिलने का कोई बहाना चाहिए। 406 में देखिए। ठीक है। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम क्यों यहाँ वहाँ पे भटक रही हो? मैं रेस्ट रूम से आ रही हूँ। क्या कहा? रेस्ट रूम से आ रही हो? अरे मैं कब से रेस्ट रूम को हर एक फ्लोर पे पागलों जैसा ढूंढ रहा हूँ। आओ मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ रेस्ट किया था। मैं वो रेस्ट रूम देखना चाहता हूँ, हमारे सर भी वहीं पर रेस्ट करने वाले। चलो जल्दी दिखाओ। अरे चलो छोड़ो मुझे। तुम्हें पता है रेस्ट रूम क्या होता है? क्या होता है? टॉयलेट होता है। टॉयलेट? यस। यू मीन शौचालय? ओके सर, मैं आपको मैं चलता हूँ। ये गलत है सर, वो औरत कंप्लेन करने आई थी, ठीक नहीं है सर। ये पता है वो कौन है? वो मेरी वाइफ है। लेकिन आपका तो डिवोर्स हो गया था। बेटी सुखी रहो। प्रणाम।
आपकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आपको ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिटी में भेज रहे हैं, इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। सर, अगर किसी और स्टेट को हमारी मदद चाहिए तो ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। आफ्टर ऑल वी आर पुलिस और हमें अपनी ड्यूटी दिल से निभानी चाहिए। ओके, अगर मैं तुम्हें वहां साथ ले जाऊंगा तो मुझे डर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने की तो बात है। ठीक है, अब जाइए। तो तुम ये 2 महीनों के लिए अपने मायके चली जाओ और चाहो तो डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लो। तब तो मुझे एक आइडिया सूझ रहा है। यहाँ के ऑफिस के बदले मैं विशाखापट्टनम के फैक्ट्री को संभाल लेती हूँ और गेस्ट में रहती हूँ। मैं आपसे ना तो मिलूंगी ना तो फोन करूंगी। अगर मुलाकात भी होती है तो मैं नहीं बताऊंगी मैं कौन हूँ। एटलीस्ट आपके पास होने की खुशी तो मुझे मिलेगी। ठीक है, मैं केयरफुल था कि यहाँ किसी को पता ना चले कि मेरी वाइफ है और मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी मंगलसूत्र उतारने से मना करने वाली वाइफ से डिवोर्स हो गया है, ऐसा मजबूरन कहना पड़ा। यू आर ग्रेट सर। माय वाइफ इज ग्रेट। हमारे कांस्टेबल बेहोश हो गए। क्या हुआ? क्या कैसे हुआ? इनके सर में दर्द हो रहा था, मैं इनके लिए दुकान से दवाई लेकर आया तो खाते ये बेहोश हो गए। तो इनका ट्रीटमेंट यहाँ क्यों कर रहे हो? हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी चलो। दो लोग इनके साथ ही रहेंगे। उन्होंने कौन सी दवाई खाई थी? ये वाली सर, अनैक्सिल। श्रीनिवास इस टैबलेट के बारे में गूगल करो, एक्सपायरी डेट भी मिटा दी गई है। सर ये तो ऑस्ट्रेलियन टैबलेट है सर। ऑस्ट्रेलियन टैबलेट, कुछ तो गड़बड़ है। ये टैबलेट दुकान में पहुंची कैसे, किसने सप्लाई की, सारी डिटेल्स पता करो और मुझे फोन करो। sure, sir. उन्हें शक नहीं होना चाहिए। okay, यूनिफॉर्म में मत जाना। ये मेडिसिन आपको कौन सप्लाई करता है? बोलो श्रीनिवास। बाबूराव नाम के आदमी ने सप्लाई किया था सर। बाबूराव से पूछो कि उसे ये दवाई कहां से मिली। सर आधे घंटे में कॉल करता हूं। सर कोई प्रॉपर ऑफिस या लाइसेंस नहीं है सर, गोडाउन से सप्लाई करता है सर। तो पता क्या कि उसे सप्लाई कौन करता है? कोई प्रभाकर है सर। सर वो रेड्डी का आदमी है। ओके, और पूछताछ मत करो, जस्ट मार्क हिम एंड गेट बैक टू द स्टेशन। हुआ क्या था? उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत कहीं जाना है। बोलिए कृष्णराज। सर एमएलए का किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन वापस नहीं आए। कृष्णराज ने कहा कि उन्होंने कोई फोन ही नहीं किया। यह आदमी कमिश्नर सर से 3 बार मिलने आया था, आप इसे जानती हैं? उनके ऑफिस में हजारों लोग आते जाते थे, मैं सबको कैसे जान सकती हूँ? बच्चों यहाँ पर आओ। क्यों नहीं, तुम लोग अंदर जाओ। तुम लोग इन लोगों को क्यों बुला रहे हैं? कुछ भी पता लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो आदमी चला गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर भी इंक्वायरी के लिए आए थे। पूछताछ करते करते हमदर्दी जताया और मेरे दोनों बेटियों पे गलत नियत से हाथ रखा। ये हरकत उन पे दोबारा हो, एक माँ होने के नाते मैं दोबारा नहीं जाऊंगी। मेरी बेटियों की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही शहर से दूर चले जाएंगे हम। आइंदा पूछताछ करने के लिए मेरे घर में दोबारा आप लोग मत आइएगा, प्लीज प्लीज। सर कमिश्नर की वाइफ झूठ बोल रही है। अच्छा? हाँ सर, असिस्टेंट कमिश्नर कृष्णराज ने वाकई में कमिश्नर को फोन नहीं किया था। मेरे पास दोनों बिल की कॉपीज है, नंबर किसी में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है सर। इसलिए कॉन्फिडेंटली रिपोर्ट देखने को कह रहा था। ये रिपोर्ट उसके फेवर में है, इसलिए मुझे उस पर डाउट हो रहा है। कल जब मैं कमिश्नर की वाइफ से पूछताछ कर रहा था तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखी। मैं एविडेंस से ज्यादा इमोशन पर विश्वास करता हूँ। उन लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस से नेटवर्क रिपोर्ट्स को चेंज कर दिया है। ऐसा हो सकता है सर? आजकल हम नेटवर्क कंपनीज की दी हुई रिपोर्ट्स और वॉइस के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जीएम और एमडी लेवल की परमिशन चाहिए। क्यों? परमिशन नहीं देंगे। जो कंपनी इस साल 10,000 करोड़ कमाती है, अगले साल 15,000 करोड़ कमाने के लिए मीटिंग्स रखती है। क्या वो लोग प्रॉफिट को घटाकर कस्टमर के लिए 50 पैसे की कॉल को 25 पैसे में देने के बारे में सोचते हैं? वो सब अपने बारे में ही सोचते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन डाउट तो कर सकते हैं ना। मुझे उनका नेटवर्क हैक करना है बिना उन्हें पता चले। सर किल अ वायरस विद अ वायरस। सर इसने हाल ही में एक बैंक को हैक किया था और 18 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। सर ये लड़कियों की फोटो मॉर्फ करके व्हाट्सएप पे भगाओ। ऐसे आदमियों पर जंगली जानवर से हमला करवाना चाहिए। बाप रे कितनी बदबू जानवर से बदतर है। सर इसने सेल कंपनी के नेटवर्क को हैक किया था। क्या किया था तुमने? सर मेरा 200 का बिल था लेकिन उन्होंने 2000 का बिल भेजा था। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने सर। इसने नेटवर्क हैक किया और 40 लाख कस्टमर का बिल 2 रुपए कर दिया। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। कमाल कर दिया। इस पर इल्जाम लगाओ कि कमिश्नर के मर्डर में इन्वॉल्व्ड है और इसकी कस्टडी ले लो। ओके सर। तुम दोनों रुको, बताओ क्या किया है तुम दोनों ने? हमने आंटी लोग को कनेक्शंस दिए। गैस कनेक्शन? नहीं नहीं। केबल कनेक्शन दिया? नहीं। करंट कनेक्शन? नहीं। वाटर कनेक्शन? बिल का कनेक्शन?
क्या बोल रहे हो तुम? उदास रहने वाले लोगों को रंगीन मिजाज औरतों के साथ और काले अंकल्स को गोरी आंटी, आवारा लड़कों को हसीन लड़कियों के साथ कनेक्शन करवाते थे। इन लोगों ने तो मल्टी लेवल पर काम किया है। इस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें जेल से 2 महीने में क्या करना होगा सर? डू इट अगेन। Your assumption is right, sir. 10:15 पे असिस्टेंट कमिश्नर के फोन से 31 सेकंड्स के लिए कमिश्नर से बात हुई थी। उसके 12 घंटों के बाद इस कॉल को नेटवर्क से इरेज कर दिया गया। 11:15 बजे कमिश्नर के फोन का सिग्नल मर्डर स्पॉट पर होना चाहिए, राइट? यस, सिग्नल सिटी टावर से 620 मीटर पॉइंट पे था। तो फिर चेक करो कि मर्डर स्पॉट पर उस वक्त कोई और सिग्नल था क्या। 1 सेकंड सर। एक नंबर 300 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा है सर, और 11:16 के आसपास वो नंबर यहाँ से चला गया सर। ये पॉइंट पे 4:30 मिनट तक था। नंबर माल्या के नाम से है सर। सर कहीं उसने तो ये मर्डर नहीं किया? फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मर्डर में टोटल 4 लोग इन्वॉल्व थे। जिस तरह कॉल हिस्ट्री से नंबर इरेज किया गया, उसी तरह लोकेशन से भी बाकी के नंबर इरेज कर दिए होंगे। ऐसा पॉसिबल है सर? उन्हें रिट्रीव कर सकते हैं क्या? इट विल टेक 2 डेज। गेट इट? यस सर। इंस्पेक्टर सर, जिस दिन मैं आया था शिवा ने मुझसे पंगा लिया था, उससे जरा उचकाते हैं। बिल्कुल सर। अरे ओ नेट वाले, 9493639783, इस नंबर से एक लड़की ने मुझे आई लव यू का मैसेज भेजा है और मैं उसे 70-80 बार से भी ज्यादा कॉल कर चुका हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तो वो कौन है, कहाँ रहती है, मुझे उसका तुमने उसकी डिटेल मुझे इतनी जल्दी कैसे दे दी? नाम पुष्पा, विजयवाड़ा में रहती, डेट ऑफ बर्थ 7 नवंबर 1994, बाप का नाम कृष्णा, माँ का नाम शांति। एक मिनट। उसने SMS 2400 लोगों को भेजा और इनमें से अधिकतर लोग 70-80 बार इस नंबर पर कॉल कर चुके हैं। लगभग 1,80,000 मिस्ड कॉल इस नंबर पर आए हैं। अच्छा, इस नंबर पर 12 नंबरों से टॉपअप हो रहा है। ये लोग 20-25 साल के लड़के हैं। एक नंबर दिल्ली का है। दिल्ली का है? ये लिस्ट तो पूरे देश में फैली हुई है। तो हमारे इस भारत जैसे पुण्यवान देश में एक ऐसी कन्या भी है। वेलकम सर। विद्या, तुम्हारा स्टार आया है, हो सके तो आ जाओ यहाँ पे। मैं 4 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी। सर आपका ऑर्डर? एक ब्लैक कॉफी और एक बियर। हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्यों लड़के, अभी तक एग्जाम दिया नहीं और अभी से सर को सैल्यूट करने लगी हो? इस एप्लीकेशन पर एक साइन चाहिए था सर। ये क्या है? मैं गन शूटिंग सीखने जा रही हूँ और उसी के लिए पुलिस ऑफिसर से अटेस्ट करवाना था इसे। ऐसी जगहों पर लड़कियों को नहीं आना चाहिए। सर सिल्वा आ गया। जाओ तुम यहाँ से, जाओ। नमस्ते सर। बैठो, बियर पियो। मुझे पता है कि 1 साल पहले हुए कमिश्नर के मर्डर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं, लेकिन जिसका संबंध है तुम उसे जानते हो। ये क्या सर, बिना मतलब मुझे इसमें क्यों घसीट रहे हैं? किसी को पता नहीं चलेगा, मेरे कान में बोल दो। मैं रेड्डी का आदमी हूँ, आपको पता है ना? मैं भी तो रेड्डी का आदमी हूँ, इसमें रेड्डी को लाने की क्या जरूरत? मुझे आज मारा है क्या? तेरे जैसा खतरनाक पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाया ना। के आदमी, पुलिस के बारे में कहने की तेरी औकात ही क्या है? तुझे जानना है कि पुलिस वाले तेरा क्या कुछ कर सकते हैं? चाहे तो गोली तेरे सिर के आर पार कर सकते हैं। चलाओ गोली। जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा इसने मुझ पर हमला किया और आज एनकाउंटर में मारा गया, ऐसा फाइल में लिखकर क्लोज कर दो। क्यों, क्या हुआ? तू ही था ना, तूने उस दिन आदमी भेजे थे ना? ब्लू कलर की शर्ट पसंद नहीं आई, तूने मुझे बुद्धू समझाया क्या? सब कुछ जानते हुए मैं जानबूझकर चुप बैठा था और सही वक्त के आने का इंतजार कर रहा था। कमिश्नर को इसी ने मारा होगा, इसके घर पर एविडेंस मिलेगा। अरेस्ट हिम। सर बात क्या है, इस तरह अंदर क्यों आ रहे आप लोग? सर उस तरफ देखो। सर लेकिन बात क्या सर? सुभाष सर, उस चावल के डिब्बे में क्या है देखो। वो भगवान का चढ़ाया हुआ चावल है, उसे क्यों गिरा रहा है? सर गन्स। शिवा इज अरेस्टेड सर। ये सारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं सर, लगभग 70-80 करोड़ रुपए इनकी वैल्यू होगी। कौन है रे तू? चावल के डिब्बे में गन, सूट केस में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और तो सुनो सिंघम, गन या पैसों के बारे में कुछ मत पूछो, वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हवाला का पैसा है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसमें से 2 बंडल ले लो। लूंगा रेडी, जरूरत पड़ने पर जरूर लूंगा। लेट्स गो। यस सर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का एक एक बंडल उठाओ और मेरी तरफ से कॉफी पीकर जाओ।
शिवा के बारे में जानता नहीं था, इसलिए वो डीसी उसके घर चला गया। वो हमारा आदमी है। लेकिन आपको कैसे पता चला? पूरे विशाखापट्टनम सिटी में कंपनी के 4 कैमरास कभी भी एक्टिव रहते हैं, राइट? इडियट। ऑस्ट्रेलियन कंटेनर्स, ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, समथिंग्स रॉन्ग। श्रीकांत सर, सर के बारे में इसमें कुछ लिखा है, देखो ना क्या है। अ करप्टेड पुलिस इन विशाखापट्टनम। पढ़ा है इसमें क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है कि आप रेड्डी के बहुत क्लोज हैं और आप उससे घूस लेते हैं और आपके आने के बाद विशाखापट्टनम बहुत ही खराब हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं सर, रूम 406 में आप एक लड़की के साथ थे सर। ए, ऐसा किसने लिखा? किसी अग्नि ने लिखा है सर। फ्रेंड्स, शी इज अग्नि अलियास विद्या, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। इस अग्नि को 4 थप्पड़ मार के अंदर डालेंगे तो सब पता चल जाएगा सर, लेकर आओ उसे। रुको, उन्हें जो सच्चाई लगती है वही उन्होंने लिखा। जब पता चला कि बाहर से एक पुलिस ऑफिसर आने वाला है तो इन्होंने उनके बारे में एक आर्टिकल लिखा। हैदराबाद से हमारे चीफ एडिटर ने इन्हें भेजा है। द होल ऑफ आंध्र प्रदेश इज वर्चुअली शेकन नाउ। इनके काम के बारे में बाहर किसी को पता नहीं था। मुझे लगा वो लड़कियों का दीवाना होगा, इसीलिए मैंने वैसे बात की, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए मैंने आईपीएस कह के झूठ बोल दिया और विश्वास जीत लिया। सीबीआई ऑफिसर सिंघम के खिलाफ एक नया आरोप दर्ज हुआ है। ये क्या कह रहे हो आप? सर आपको इसी वक्त वाइजैक आना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में ये फोटो छपेगी और उसके बाद तो वो यहाँ से भाग ही जाएगा। मैंने सब सुन लिया, मैं इस समय अपने गांव जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट में तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है उसे मिटाने के लिए मेरे 10 आदमियों को अरेस्ट कर लो। करता हूँ रेड्डी, करता हूँ। ये इस वक्त यहाँ क्यों आ रही है? सर, तुमसे मिलने विशाखापट्टनम आया हूँ, होम मिनिस्टर के गेस्ट हाउस में तुरंत आ जाओ। सुभाष से कहना कि माल्या की डिटेल्स भेज दें। यस सर। याओ, आइंदा से यहाँ पर मत आना। मेरे बारे में किसी ने गलत लिखा है, यहाँ होगी तो तुम्हारा भी नाम खराब हो सकता है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। ऐसी क्यों? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो इनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कमिश्नर के मर्डर केस में अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। गलत करने वालों को आपने अरेस्ट तक नहीं किया है। सिर्फ गलत लोगों को अरेस्ट करना पुलिस का काम नहीं, कुछ गलत ना हो ये भी देखना पुलिस का काम है। सिर्फ अरेस्ट ही करना था तो वो यहाँ के ऑफिसर्स भी कर सकते थे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया, ये केस क्यों दिया? मैं समझा नहीं। मैं अलग तरीके से काम करता हूँ सर, अभी तो मैंने सिर्फ मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, बहुत जल्द उसमें सारी गंदी मछलियाँ फंसेंगी और पुलिस के चिन्ह के चौथे शेर को दिखाने का वक्त आएगा, उस दिन एक भी क्रिमिनल नहीं बचेगा सर। मैं समझ गया सिंह, एक हफ्ते में मेरा काम खत्म हो जाएगा। कमिश्नर का मर्डर करने वाले सभी को अरेस्ट करूंगा, फाइल आपके हवाले करूंगा और वापस चला जाऊंगा। सर, फॉरेंसिक ऑफिसर का फोन आया था। 2 महीने पहले 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स की हत्या हुई थी। उनकी बॉडी और कमिश्नर की बॉडी से जो बुलेट्स मिले वो एक ही गन से थे सर। माल्या के डिटेल्स का क्या हुआ? माल्या असिस्टेंट कमिश्नर का ड्राइवर है। मर्डर के अगले दिन किडनी में प्रॉब्लम है कहकर मेडिकल लीव पर चला गया सर। अगले दिन ही मेडिकल लीव पर चला गया, उसका गाँव कौन सा है? विजयनगर के पास एक गाँव है, वहीं सर। उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया सर, मेरी आंखों के सामने उन्होंने कमिश्नर सर को मार डाला। उस दिन रात में मैं एसी सर के साथ था, उन्होंने गाड़ी दूर रोकने को कहा और वो अकेले चले गए। बहुत देर हो गई थी और मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए मैं देखने चला गया, तभी वहाँ कमिश्नर सर खुद ही अपनी गाड़ी से आए। मर्डर कैसे हुआ? आप अकेले हैं? क्या हो रहा है सर? तो तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? वो लोग गुस्से में बात कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बात सुन ले रेड्डी, कल तू जेल में होगा। मुझे लगा ही था कि रेड्डी इस केस में इन्वॉल्व है, उसी ने ये पूरा कांड किया। सर मुझे विटनेस मत बनाइएगा सर, अगर उनको पता चला तो वो मेरे परिवार को मार देंगे। तुम अभी अपना मुंह बंद रखो और पहले ड्यूटी ज्वाइन करो। दोनों मैच कर रहे हैं सर। यस। बोलो श्रीनिवास। माल्या की बताई हुई सारी डिटेल सही है सर, उन चारों के सिग्नल्स उसी टावर से हैं सर और वही 30 डिग्री 620 मीटर से था सर। फिर 12 घंटे के बाद उन्होंने पूरी कॉल हिस्ट्री इरेज कर दी थी सर और मॉडिफाई करके ये दिखाया कि वो अपने घर में थे।
नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, सिस्टम में घुसकर डेटा कोलैप्स करना जानते हैं। रेड्डी का इतना दिमाग नहीं है। देयर इज अ बिग ब्रेन बिहाइंड दिस मर्डर। फोर्स, ये शहर के क्रिमिनल्स की पूरी लिस्ट है। पिक पॉकेटर से लेकर बिजली चोरी करने वालों से लेकर जिन्होंने कमिश्नर का मर्डर किया हो उनकी पूरी लिस्ट है। आज शाम तक इन सबको उठाना होगा। वन डे एक्शन। मैंने सुना तुम्हारे आदमियों को पुलिस अरेस्ट कर रही है। मैंने ही उसे बोला सर, वो डीसी अपना आदमी है। हाँ मूल, स्विच ऑन द टीवी पर। भाई वो डीसी फोन नहीं उठा। कमिश्नर के मर्डर के जुर्म में मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। ये नेटवर्क की ओरिजिनल रिपोर्ट है और ये जो तुमने मॉडिफाई की थी। तुम जानते हो ना रेड्डी का आदमी हूँ। ये कहते हुए शर्म नहीं आती? असिस्टेंट कमिश्नर को अरेस्ट कब करेंगे? शाम तक पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर तो ठीक है, पर एसी कृष्ण राव को तुमने अरेस्ट क्यों किया? किसी कमिश्नर या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर तक ने मुझे फोन करके ये नहीं पूछा कि मैंने उसे अरेस्ट क्यों किया। और तुझ जैसा क्रिमिनल मुझसे पूछा? पुलिस, तेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहा है। मैं भेड़िया नहीं जो किसी के भी शिकार पर हमला करता है, सिर्फ भूख लगने पर हमला करता है। सिंगम, अभी मैं खून का प्यासा हूँ और अब मैं किसी भी शिकार को छोड़ने वाला नहीं। मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे फिर से कुचल दूंगा। बताइए सर। शिवा, तुम्हें एनकाउंटर करने से सिंघम आ रहा है। अरे पुलिस वाले, हेलो, अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वाली गर्मा गर्म कॉफी ऊपर जाके पीना। सुना है कि इस एरिया में तुझे लोग रावण कहते हैं। तुझे मार दूंगा तो यहाँ लोग दिवाली मनाएंगे। फटाका फोड़ू? सर आपने सेल्वा का एनकाउंटर किया क्या? उसी ने कमिश्नर को मारा था सर। शिवा मारा गया? आई एम वेरी हैप्पी द वे यू आर अप्रोचिंग द केस। थैंक यू सर। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया? लेट मी एक्सप्लेन। सर आप बता सकते कमिश्नर को? अभी नहीं बता सकता। क्या हुआ? रवि भाग गया सर। नहीं यार, हो गया। नहीं नहीं, आप रोक दीजिए प्लीज। रेड्डी को वापस आने दो, तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। हमने सुना आप रेड्डी को अरेस्ट करने जा रहे हैं। यस सर। अगर आप चाहते हैं कि आपका वन डे एक्शन सक्सेसफुल हो तो उसे अरेस्ट मत कीजिए। बट सर, पहले ये पता कीजिए कि उसने कमिश्नर को मारा क्यों। एविडेंसेस के साथ उसे अरेस्ट करेंगे तब वो बच नहीं पाएगा। ये सिर्फ मेरी सजेशन है। आप सोच कर देखिए फिर डिसाइड कीजिए। स्टॉप। डैम इट। उन्होंने सही कहा। आई नीड अ रीजन। रीजन रीजन। उस मैगजीन वालों का ऑफिस कहाँ है? जगदम्बा सर्कल सर। चलो।
ये आर्टिकल किसने लिखा है? Who's Agni? ये मीडिया का धर्म है, हम कुछ नहीं बता सकते। So you can't break work ethics. श्रीनिवास। Yes sir. Break it. Sure sir. Sir, you are crossing your limit. You've already crossed yours. क्यों? Investigative journalism, हाँ? अंडरकवर ऑपरेशन कर रही थी। इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल लिखना है तो किसी क्रिमिनल के पीछे जाओ, किसी पॉलिटिशियन पर नजर रखो। लेकिन तुमने मुझे फॉलो किया। रूम नंबर 406 में मेरे साथ कौन था ये तुमने गंदी तरह प्रेजेंट किया। वो मेरे माँ बाप हो सकते थे, मेरे रिश्तेदार हो सकते थे। बहुत ही छोटी सोच है तुम्हारी। 10 क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम 2 बेगुनाह लोगों पर शक कर सकते हैं, 1 बेगुनाह को छोड़ने के लिए 2 क्रिमिनल्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी। मैं किसी अनजान आदमी को अपने आसपास नहीं भटकने देता, लेकिन तुम्हारे करियर की वजह से मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया। You actually didn't deserve it. I'm really sorry. Don't utter a word. IPC 353. एक पुलिस ऑफिसर को तुमने फॉलो किया और उसे अपनी ड्यूटी करने से रोका। सेक्शन 501. गलत खबर छापकर तुमने पुलिस ऑफिसर के नाम पर कीचड़ उछाला। अरेस्ट है। चलो। He's my hero. Now I'm feeling like a fool. ₹1500 फाइन भरना होगा, मंजूर है? You actually didn't deserve it. आइंदा से यहां पर मत आना। Just stay away from me. किससे कैसे बात करते पता नहीं? होशियार लड़कियों को भी नहीं। कोर्ट में फाइन भर के छूट गई सर। क्या हुआ, यहां क्यों आई हो? आई लव यू। बस इतना कहने आई थी। पीछा मत करो, गाड़ी रोको। आप बैठिए सर, मैं देखता हूँ। देखो सर, शादीशुदा इनके पीछे मत पड़ो। क्या हुआ, मैंने क्या किया? मेरी मर्जी, तू जा यहाँ से। रेड्डी, वो डीसी हमारे ऑफिस में घुसा और सभी को पीटा और सबको अरेस्ट भी कर लिया। सर, तुमने बताया कि वो डीसी तुम्हारा आदमी है, लेकिन उसने तो सेल्वा को टपका दिया। सर, बिना खून बहाए उसने मुझे हलाल कर दिया है। छोड़ूंगा नहीं उससे, मैं छोड़ूंगा नहीं। उस अग्नि को भूल जाइए सर। सिंघम सर कहाँ है जिसने ये बताया उस आदमी को पकड़ना होगा? सर, सर सर सर, उधर शेर तो इतना आराम से बैठा है, लेकिन ये चूहा क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? नहीं जाए, अगर वो आदमी मेरे हाथ लग जाए ना, तो मेरे पास जो सर्विस गन है उसे निकाल कर इसे गोली 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 मार के खत्म कर दूंगा। उसके सर पत्थर से फोड़ दूंगा। सर, फोड़ने से कुछ नहीं होगा, उसके सर में 6 इंच का कीला गाड़ के उसे दीवार पे लटकाना पड़ेगा। सर, आप पुलिस वालों की तरह बात कीजिए ना, टपोरी की तरह लग रहे हो आज आप। किसे टपोरी बोला? इधर चिपका दूंगा। हेलो, लगता है ऑफिस बहुत कलरफुल है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्या सर? हाँ सर, बोलिए सर। कोई आता है, आई लव यू कहता है। ओह, लगता है फुल्ली अपडेटेड हो। जानना चाहते हो किसने बताया? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सारी बातें पता चलती हैं तो आई नीड नॉट वरी। सुभाष, जरूरत से ज्यादा ही फोन करते ना ये। बॉस गुस्से में थे क्या? बॉस अधिकार नहीं जमाएगा तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। पूरी इन्वेस्टिगेशन में इस आदमी को पकड़ नहीं पाए। अगर हम इसे पकड़ लेते हैं सर, तो मर्डर के मोटिव का भी पता चल जाएगा। इतना नेगेटिव क्यों सोचते सर? दरअसल बात यह है कि आदमी 3 बार कमिश्नर से मिलने आया था। विजिटर रिकॉर्ड्स में इसका नाम नहीं है, मतलब किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। लेकिन सर वो, जहां तक मुझे लगता है, ये कमिश्नर की मौत के वक्त जरूर आया होगा। सर, सारे चैनल्स के फ्यूनरल फुटेजेस निकालो, कम ऑन क्विक। यस सर। फ्रीज, जूम करो। ये तो होती सर, उसके पास गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर खड़े हैं सर। सर, हेडमास्टर आप ही हमारे साथ हैं।
और ये हमें टीचर के पास लेके जा रहे हैं। बोलिए। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मार डाला सर। सिर्फ कमिश्नर को ही नहीं, हमारे 32 मासूम बच्चों को भी मार डाला। स्कूल के सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, उसी समय डंपिंग ग्राउंड में आग लगी थी। हवा इसी तरफ बह रही थी, हवा के बहाव के साथ धुआं स्कूल की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे सारा धुआं पूरे स्कूल में फैल गया और सारे बच्चे बेहोश हो गए। कॉरपोरेशन के लोग और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग भी आए थे। राजनेता लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन 15 दिनों के बाद पेपर में छपा कि स्कूल में मिलने वाले खाने के फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की मौत हुई। कमिश्नर सर को मैंने सारी सच्चाई बताई। आई डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट दिस। एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। देखिए सर, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। आप कंप्लेंट मत लिखवाइए। कल मैंने एक प्रेस मीट बुलवाई है, आप उस मीटिंग में आ जाइए। दूसरे दिन प्रेस की मीटिंग हुई, पर उनका भी मर्डर हो गया। जब आप यहाँ आए तो मैंने सोचा आपको बताऊंगा। मैं यहाँ कमिश्नर के मर्डर के सिलसिले में थोड़ी आया हूँ। लेकिन उस दिन आपकी हरकत देखकर मैं पुलिस स्टेशन से घर आ गया। बिना किसी गुनाह के वो 32 मासूम बच्चे मर गए सर। ये सब वही कहते हैं सर। यही उस दिन आग लगी थी सर, यहीं से धुआं उठ रहा था। ठीक से चल रहा था। सर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फेंके हुए हैं सर। सर मैं कांस्टेबल शंकर डंपिंग यार्ड से बोल रहा हूँ। ये सब ऑस्ट्रेलियन मेडिसिन है सर, और बॉडीज भी कंटेमिनेटेड है सर। सर यहाँ पर सर्जिकल नाइफ्स हैं, सारे ऑस्ट्रेलियन कवर्स हैं सर, सारे ह्यूमन ऑर्गन्स हैं सर, सारे कवर्स में ऑस्ट्रेलियन प्रिंट है सर। यस राजीव, उस सीबीआई ऑफिसर्स के बारे में सारी डिटेल्स पता करो। रेड्डी ने कमिश्नर का मर्डर किया, इसका रीजन था मेडी वेस्ट और ही वेस्ट। ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल वेस्ट और कंप्यूटर का ई वेस्ट हमारे देश में फेंका जा रहा है। ये डीलिंग हमारे यहाँ से हो रही है और इसे स्क्रैप के नाम से इंपोर्ट किया जा रहा है, और इसके पीछे है राजीव कृष्णा। उसे जलाने से जो टॉक्सिक स्मोक निकला था, उसकी वजह से वो 32 बच्चे मर गए थे, और उन्हीं में से एक्सपायर्ड टैबलेट्स को लोकली बेचा जा रहा है। कमिश्नर को इस बात का पता चला और उन्होंने रेड्डी को वार्न किया। रेड्डी नहीं माना तो इस मैटर को पब्लिक इश्यू बनाने के लिए उन्होंने प्रेस मीट बुलवाई। ये बात असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए रेड्डी को पता चली, तो उन्होंने धोखे से कमिश्नर को एक जगह बुलाया और बातचीत करके मैटर सेटल करने की कोशिश की। कमिश्नर राजी नहीं हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें मार दिया। तो रेड्डी से भी एक बड़ी ताकत ऑस्ट्रेलिया में है। पूरा डिपार्टमेंट गुस्से में है भाई। वो टीचर कहाँ है? हेडमास्टर के घर में है। सुबह अरेस्ट वारंट चाहिए। उस टीचर को फॉलो करो। आज रात ही मैं हाबा जाकर डिस्पैच होने वाले कंटेनर से एविडेंसेस इकट्ठा करूंगा। 60 से 70 कंटेनर्स होंगे। उसमें रेड्डी के कंटेनर्स कितने हैं? 40 होंगे सर। मैं एक घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। बोलिए रेड्डी। वो टीचर जिंदा नहीं रहना चाहिए। काम खत्म होने के बाद फोन करता हूँ। बोलो। सुनो, सिंगम हार्बर के अंदर आया है, उसे वही टपका डालो। सब लड़के तो नशे में टून है, तो ये सब अब कैसे होगा भाई? उसने कंटेनर खोल कर देखा तो विट्ठल को क्या जवाब देंगे? ठीक है भाई, मैं कुछ करता हूँ। नाइट ड्यूटी में हमारे आदमी है भाई। ए, बोट निकालो और हार्बर की तरफ चलो। चलो 26281। ये सर, ये श्रेणी आईएस कैप से आया। जल्दी करो। या ओपन इट। सर
ये सब क्या है सर? ये पूरा मेडी वेस्ट है। कल सुबह अरेस्ट वारंट लाने तक एक भी कंटेनर बाहर नहीं जाएगा। जल्दी हो, जल्दी छोड़िएगा मास्टर। उस टीचर को मार दिया। एक्सलेंट, आप लाइन में रहिए। ए डीसी, अपने सर्विस में कभी मौत नहीं देखी क्या? थोड़ा ज्यादा ही फील कर रहे हो? अपने बारे में सब कुछ छिपाकर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो? कौन है बे तू? मैं कौन हूँ? अबे तू कौन है? मैं बताता हूँ तू कौन है। तेरे बाप का नाम सुंदर राज, माँ का नाम कल्याणी, दीदी का नाम धनलक्ष्मी, बच्चे इन्फेंट जीसस स्कूल में पढ़ते हैं। तूने अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों दिया ये भी जानता हूँ मैं। शहर में किराने का दुकान है और गाँव में तेरा घर है। अबे सब जानता हूँ तेरे बारे में, यही तेरे घर का पता है ना? सुन, ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने लॉक कर दिया है। पूरे 100 करोड़ रुपए खर्च करके समुद्र से मिसाइल चलाने वाला मैं सिर्फ तेरे घर को नहीं बल्कि तेरे गांव को उड़ा दूंगा। मर्डर केस की तहकीकात करने आया तो सिर्फ वही कर, यहां वहां मुंह मत मार, अपनी ऑन ड्यूटी निभा वरना तुझे ऑफ ड्यूटी कर दूंगा। कीप दैट इन योर माइंड। वजह से हुआ, इन्होंने हम पर भरोसा किया लेकिन हम बचा नहीं पाए। रवि ने इन्हें मारा है सर। आपको ऑस्ट्रेलियन कॉल को हमने ट्रैक करने की कोशिश की, नेट कॉल से फोन आया था इसलिए हमें नंबर नहीं पता चला। पहले रवि को उठाओ, उसने मुंह खोला तो रेड्डी को उठाएंगे। रेड्डी, अब वो एसी हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं सर? जब मैं उससे बात कर रहा था तुम भी तो सुन रहे थे, डर गया होगा।
सिंघम तुम्हारे एरिया में घुस चुका है। एक पुलिस वाला भी जिंदा नहीं बचेगा, सबको मार डालूंगा। तुम मुझे जमानत पर बाहर निकाल देना। अपने घर से निकालो। तुम लोग बिल्डिंग को कवर करो, मैं छत पर जाता हूं। सर ठीक है, एयरफोर्स। चलो भागो, गाड़ी निकालो, बता रोड से। आज चलाओ, हमारे पीछे पीछे आ रहा है, कोई भी गाड़ी सामने आए तो ठोक डालो। चोट तो नहीं लगी? सर नथिंग टू वरी, प्लीज कैरी ऑन सर। गाड़ी को ओके सर, वो सिटी के अंदर घुसकर पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर उसे हाईवे पर डाइवर्ट करो। ओके सर। उसे छोड़ना नहीं, पीछे लगे रहो। आगे सर, आगे सर। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात तो तुमने किया है, हमारे देश के लोगों के साथ। सर डॉक्स पूरे के पास आइडेंटिफाई कर रहा है। जंप। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी मुलाकात वाला दिन तुम कभी नहीं भूलोगे। ना तो मैं भूलूंगा और ना माफ करूंगा। सर वहाँ पर गन मिली है। सर गन मिली है। एक साल पहले कमिश्नर को और दो महीने पहले तुम्हारे दो सिक्योरिटी वालों को तुमने इसी गन से मारा था, और कल रात को रवि के हाथों उस टीचर को भी मरवा दिया। पर पता है क्या, रवि अप्रूवर बन गया है। ये ले, सेंट्रल मिनिस्टर से बात कर। चुपचाप गाड़ी में बैठ, वरना जिंदा गाड़ दूंगा। रुको, सुना है पुलिस स्टेशन में तू कभी अपना पैर नहीं रखता है, आज तो चप्पल उतार कर अंदर आएगा। चप्पल उतारता है या मैं उतारूं? कमिश्नर रामकृष्ण के मर्डर में आज जो मेन सस्पेक्ट है बिजनेसमैन रेड्डी को अरेस्ट कर लिया गया है, कल उन्हें कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर रामकृष्णा को प्लान करके मर्डर करने के जुर्म में ये कोर्ट रेड्डी को 15 दिनों की पुलिस कस्टडी में रखने का फैसला सुना। सर इस केस की चार्जशीट फाइल होने तक मैं यही रहूंगा। सर वीकली मैगजीन में लिखा है कि आप रेड्डी के संबंध बहुत अच्छे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फैक्ट्स के बिना जाने किसी ने मेरे बारे में गलत लिखा था। अगर कोई ऑफिसर या पॉलिटिशियन कुछ कहता है तो जनता सोच समझ कर ही विश्वास करती है, लेकिन आप मीडिया वाले कुछ कहते हैं तो पहले विश्वास करते हैं फिर बाद में सोचते हैं। जनता आप पर इतना भरोसा करती है, सो प्लीज डू हैव सम कंसर्न बिफोर राइटिंग एनीथिंग। हे, देखो वो सबको देख रहे हैं लेकिन तुम्हारी तरफ नजर भी नहीं घुमा रहे हैं। बिना किसी को देखे अगर मुझे देखता तो मैं स्पेशल होती, लेकिन सभी को देख रहा है पर मुझे नहीं, इसलिए। सर ये कमिश्नर के मर्डर केस की फाइल है, इस मर्डर की वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन ये फाइल आपने कोर्ट में क्यों नहीं दी? जानबूझकर नहीं बताई सर। कोर्ट, सीबीआई और गवर्नमेंट के लिए जो फाइल रेडी की थी वो ये है, और मैंने पर्सनली एक फाइल रेडी की है क्योंकि
जिस शख्स ने ऑस्ट्रेलिया से मुझसे बात की थी उसने अब मुझे इसे पर्सनली लेने पर मजबूर कर दिया है। ये केस अब मैं अपने स्टेट से डील करूंगा। मगर क्यों, यहां से क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली सर, ये प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा पूरे देश की प्रॉब्लम है और इस केस को हैंडल करने के लिए मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है जो मुझे अक्सर बहुत कम मिलता है। आपको लगता है हम सपोर्ट नहीं करेंगे? अगर ऐसा है तो आपको और मुझे कानून से थोड़ी छेड़छाड़ करनी होगी सर। हमारे स्टेट का नाम होना चाहिए, इसे गौरव मिलना चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर, मुझे फौरन ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। वहाँ से कंटेनर कौन भेज रहा है उसकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनानी होगी और उसके बाद ही एक्शन लूंगा। मैं अभी एम्बेसी से बात करता हूँ। ये बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए सर, मैं एक पर्सनल ट्रिप के तौर पर जाऊंगा। अगर ये सारी एक्टिविटीज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की सहमति से हो रही होंगी तो हमें उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी सर। ओके, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? उससे मिलना है जिसने फोन पर मुझसे बात की थी, फेस टू फेस। डैड इज ऑनलाइन। यस डैड। विठल, तुम बहुत केयरलेस हो। डैड, कोर्ट में सबमिट की गई रिपोर्ट में मेडी वेस्ट, ई वेस्ट, डंप यार्ड या फिर बच्चों के बारे में उस पुलिस वाले ने कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो क्या हुआ? इमोशनल थ्रेट का असर पड़ता है डैड। सिर्फ तो ही अपील में रेड्डी को बाहर ले आएंगे। 10 दिन के अंदर वो डीसी हमारे ऑफिस के दरवाजे पर होगा। थोड़े दिनों के लिए क्या तुम अपना बिजनेस बंद कर सकते हो? ऑस्ट्रेलिया से मेडी वेस्ट और ई वेस्ट उठाने की वजह से ही हमें यहाँ आयरन स्क्रैप फ्री मिलता है। डोंट यू नो दैट डैड? यू डोंट टीच मी अबाउट माई बिजनेस डैड। सिंघम, हाय मेरी शेरनी। अपना कोई खास आदमी ऑस्ट्रेलिया में है क्या? अपना जो ऑस्ट्रेलिया साइकिल डीलर है ना पुष्पराज, वो सिडनी में है। एक हफ्ता आराम है तो सोचा क्यों ना सेकंड हनीमून के लिए चले जाएं। सिंघम, तुम ठीक तो हो? इज इट यू ओनली? बोलो काव्या। मैं नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। सुपर, सेकंड हनीमून है तो किसके साथ जा रही हो? मेरी पागल माँ। हाँ, हनीमून किसके साथ जाते हैं? हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूनम की रात जाना मुन्ना इतना बड़ा दिखेगा। मम्मी, अभी भी तुम डमी हो। मैं कुछ भी हूँ, लेकिन दामाद जी हनीमून के नाम पर किसी को वहाँ पर अरेस्ट तो नहीं करने जा रहे हैं? माय मेंटल मदर, फोन रखो। हाँ? कैसी हो? अच्छी हूँ। हेलो सिंघम सर, कैसे हैं? हाय, वेलकम टू योर सेकंड हनीमून। एग्जाम्स में सेकंड अटेम्प्ट के बारे में सुना था, क्रिकेट में सेकंड इनिंग के बारे में सुना, लेकिन सेकंड हनीमून के बारे में अभी सुन रहा हूँ सर। जो बेशरम, कितनी बकबक करता है। बेशरम क्यों कर रहे हैं सर, दिल पे लगता है। आपको नहीं है? ड्राइवर को। अरे बेशरम, गाड़ी ठीक से चलाओ। वेलकम। सुनो, मुझे कार चाहिए रेंट पर। Hello, I would like to meet your chief, please. Can you please wait there? I want to meet your manager. Over there. I'll get my people to help you around. Nice to meet you. Thank you. We have lots of crap in New York. Excuse me, sir. That's a restricted area. Oh. ये क्या सर, हेलीकॉप्टर में कैमरा लगाकर उड़ा रहे हैं? पता तो करें, उस तरफ है क्या? Hey, see, it's a drone. It's entering inside. सर, उसे गिरा दिया सर, भागे सर। अभी तो असली खिलाड़ी बाहर आएंगे। I think someone's spying on us. बोलो विजय। hey, सर आप कहाँ हैं सर? अपने गांव में हूँ। लेकिन आपके घर वाले तो कह रहे थे कि आप गांव में। मेरे गांव वाले मेरे साथ में, लो बात करो। हाँ दीजिए। क्या है बे? कुछ नहीं बे। सर गांव में विश्वास नहीं होता? नहीं होता विश्वास। ऐसी बात की ना तो बत्तीस ही तोड़ दूंगा। मैं तेरा कान फाड़ डालूंगा, समझा? सुन ले, तेरा मुंह फोड़ दूंगा मैं। मैं तेरे मुंह में गोबर डाल दूंगा। पापे, मुझसे भी क्या गुजरा आदमी है ये? कन्फर्म्ड है सर, गांव में ही है। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो मुझसे गांव की भाषा में बात कर रहे थे। What's it? We got a drone flying over us. क्या होगा?
ये कौन सी बिल्डिंग है? विट्ठल स्टील की ऑफिस है सर, सेंट्रल मिनिस्टर राम प्रसाद के बेटे की। वो विट्ठल स्टील के ऑफिस में क्यों गए? सर, रेड्डी के घर से जो फोन सीज किए थे उसमें कोई ऑस्ट्रेलियन नंबर है क्या? 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ सर। हाँ सुभाष। सर, हमने सिम कार्ड को प्रोसेस किया है सर, उसमें एक ही ऑस्ट्रेलियन नंबर है और वो विट्ठल सर के नाम से है सर। उस पर हर 2 दिन में उनसे बात होती है। वो नंबर मुझे भेजो। हेलो विट्ठल, हू'ज़ दिस? अपनी ऑन ड्यूटी निभा वरना तुझे ऑफ ड्यूटी कर दूंगा। वो मुझसे बात करने वाले की आवाज थी। विट्ठल ही सब कुछ करवा रहा है। उस हैकर को दोबारा कस्टडी मिलो और मेरे फोन कॉल का वेट करो। ओके? यस सर। सुनो सर, कल शाम 6 बजे मेरी फ्लाइट है, सुबह 11 बजे तक विट्ठल से अपॉइंटमेंट ले सकते हो? पॉसिबल है? 2 मिनट रुकिए, अभी हो जाएगा। पुष्पराज, आपने इनसे शादी कैसे की? धोखा देकर और क्या? Darling, what are you telling about me? I am telling about our love story. ऑस्ट्रेलिया में काम दिलाने का वादा करके एक आदमी ने मुझे धोखा दिया। अब यहाँ काम करने के लिए ग्रीन कार्ड चाहिए, ग्रीन कार्ड के लिए व्हाइट कार्ड से शादी करनी होती है और मैं ठहरा ब्लैक कार्ड। ठीक ऐसे ही समय ये जो शक्कर की बोरी मेरे सामने बैठी है, माय डार्लिंग, ये घर से ये सोच कर निकली कि वो सिर्फ एक ब्लैक आदमी से शादी करेगी और मेरी हुई एंट्री। अब इनसे शादी करने के बाद तुम्हारे पिताजी की साइकिल कंपनी का मैं डीलर बन गया। इनकी वजह से आज मैं पुलिस वाला बन गया। क्या पुलिस? आपने इन्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं बताया? अरे अब तो बता दीजिए सर, झूठ मत बोलिए। अभी बता देंगे तो बाद में नहीं पछताएंगे। बेवकूफ। आते वक्त मॉम ने यही बताया था। मामा, हनीमून कैसा चल रहा है बेटा? आपका दामाद यहाँ पे भी ड्यूटी पर है। मैंने बताया था ना, मेरे पिताजी का कपड़ों का दुकान है, तेरे पिताजी का साइकिल का दुकान था, तेरे पति के पिताजी का किराने का दुकान है और तेरे पति का पुलिस का दुकान है। ये लोग कभी आराम से रह नहीं सकते, जब देखो काम काम। मेरी बात तो सुनो, अगर इसके बारे में पहले बता देता तो क्या तुम ये 4 दिन खुश रहती, टेंशन में रहती ना? हमारे लिए तो ये 100% हॉलीडे होनी चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताया। वैसे अभी मेरी एक हाफ एन आवर की अपॉइंटमेंट है, यूं गया यूं आया। क्विकली, ओके? इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन मैन। Welcome. How can I help you? I have an appointment with your MD at 11. But it's 9 now. That's okay. I can wait. Can I have your Wi-Fi password, please? Yes, sure. Murli, main Vittal ke office mein hu. Wi-Fi se connected hu. Fixed alpha guard, sir. Done. Log on to cross group, sir. Access point khuliye. Main ek number deta hu, sir. XYZ 1245011. Sir, IP is spoofing. Sir, we are on the target. Okay, today. I'll take you 15 minutes, sir. Is this the work of small kids or what? Impossible, sir. Sir, someone is waiting for you. I am busy right now. Ask him to leave. He's from India. Sir, MD has called you. Ciao. Are you Mr. Singham? Yes. Are you not the Deputy Commissioner of Vishakhapatnam? Yes, you're right. What are you doing here? I have a steel factory in my country. So, Deputy Commissioner? वो तो मेरा profession है. Steel, मेरा business है. और ये है मेरी website. तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं 2 कामों के लिए ऑस्ट्रेलिया आया था. You're the largest supplier of scrap. साल में 8,000 टन मेरी कंपनी को सप्लाई करोगे तो मुझे प्रोडक्शन में बहुत हेल्प होगी। एंड देन एक ने ऑस्ट्रेलिया से मुझे फोन किया था, कह रहा था कि मेरे पूरे परिवार को मिटा देगा। परिवार छोड़ो, वो मेरे देश का एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। बस यही कहना था उससे। ये तो बहुत बड़ी कंट्री है, उसे ढूंढोगे कैसे? भले ही वो 8,000 टन का स्क्रैप मुझे ना मिले, लेकिन वो 80 किलो का तांग मेरे ही हाथ मारा जाएगा। Okay, you can wait outside. Sure. Rajiv, मैं चाहता हूँ सिंघम विशाखापट्टनम में नहीं है तो बताओ कहाँ। सर, वो छुट्टी लेकर अपने गांव गया है, मैं उसे वॉच कर रहा हूँ। वो वहाँ नहीं है, उसका पता लगाओ। सॉरी सर। काव्या, पैक एवरीथिंग। क्यों, क्या हुआ? गौतम रेड्डी इज अ ट्रू ऑनर, ही हैज क्रिएटेड फेक प्रोफाइल। कॉल हिम इनसाइड। आई एम सॉरी सर, ही इज नॉट हियर, ही हैज लेफ्ट द ऑफिस। आई एम टेकिंग अ टेक। Yes. क्या हुआ, आप चले गए? बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। फोन तेरे बॉस को दे। मैं जानता हूँ तू ही वो 80 किलो का सांड है,
और फिर फोन किया, आइंदा ऐसी गलती की तो याद रखना ये सिंघम तुझे चीर देगा। तू अभी ऑस्ट्रेलिया में है। मैं इंडियन पुलिस हूँ, तू चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काव्या, क्या हुआ? हमारी फ्लाइट शाम को 6 बजे, लेकिन तुम सिटी में नहीं रहोगी, एयरपोर्ट में ही रहना। वो ऑस्ट्रेलिया से सिंधा वापस नहीं जाना चाहिए। सभी को लगता है मैं अकेला आया हूँ, तो वैसा ही होने दो। उसका मोबाइल ट्रेस करो, लोकल सिम कार्ड फेंक दो, इंजन नंबर यूज करो, जैसा कहा वैसे करो। ओके, गो गेट हिम फास्ट। तुम मेरे साथ मत आओ, कार एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा, अकाउंट सेटल कर देना। यही उसकी कार है, किसी को कार के ऑफिस में भेजो, उसका जीपीएस सिग्नल ट्रैक करो। Singham, find this car to his GPS signal. Just a minute, sir. Get it fast. Phone King's package. Got it, sir. System se connect karo, quick. I call him. Come on, go and catch him. He's in the Parameter Road. Where the hell are you? We're stuck in a traffic jam. Call all the bikers and surround him. Sir, Mitchell Road. It's confirmed he's going to the airport. Yes, sir, you should not go. Hello, airport police. Stop, man. Don't move. Hold it right there. What's wrong? You have the right to remain silent. What are you doing in our country? What's the purpose of your visit? Which country are you from? What's your destination? Which flight you're going to catch? What time is your flight? You want me to answer or you're going to keep asking questions? Don't throw your wood. Officer, I have my flight at 6. It's 5:45 now. I need to leave. Not possible, mister. What's the reason I've been stopped for? We have received a complaint about you. And what's the complaint about, please? We know you're a drug dealer. You have come here to close a major drug deal. He's being arrested, sir. Fantastic, Sean. You want to know who I am? You have the patience to listen? Go ahead. Few months ago, 20 of the Australian police officers were taken to the middle of the ocean and they were killed by a dreaded drug dealer, Danny. You bloody Australian corp. And he was arrested by an Indian police officer. We heard about that. His name, as you know, is Singham, and that's me. Google his name. My full name is Durai Singham. Search for that name. They're showing him respect, sir. Oh, Singham! We apologize for all this. Sorry. Gates are closed. Open the gate for the universal car. I want to land in India before he lands. अगर आप इंडिया में उससे पहले लैंड करेंगे तो वो समझेगा कि आप उसे डर गए हैं सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? We can do everything from here. Then why are you rushing? Yeah, you are right, huh? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। I can do anything. वहीं पर रुचो, मैंने कहा वहीं पर रुचो, क्यों आई हो यहाँ पे, बोलो। एक हफ्ते से तुम्हारे सर से नहीं मिली। तुम्हें अंदर छोड़ने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया। ए, गाड़ी उठाओ, 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 फेंको, फेंको, चलो फेंको, 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 लड़की को मत फेंको, मुझसे पंगा लेती है। तुम सब मेरे अगेंस्ट हो, देख लेना, मैं तुम्हारी डीसी को पटा लूंगी, उससे शादी करूंगी, उसकी बीवी बनकर आऊंगी, फिर कैसे टॉर्चर करती हूँ देख लेना। ए जी सुनिए, क्या हुआ जान? इसने केकड़े के पैर को फ्रैक्चर कर दिया। फ्रैक्चर कर दिया? केकड़े को दर्द नहीं होगा क्या? केकड़े को पालने के लिए लाया है क्या? सिर्फ एक ही दिन नहीं, देखना तुझे रोज टॉर्चर करूंगी मैं। सुनिए जी, बाथरूम साफ करवाना है, किसी को छोड़कर जाइए ना। विजय को छोड़ जाता हूँ। आपने विजय को नहीं छोड़ा सर, मैंने ही वीरता को छोड़ दिया। देखिए मैं ये कैसे बात कर रहा है, इसे एनकाउंटर में टपका दीजिए। एनकाउंटर में? नो एंग्री, नो एंग्री। याद रखना मैं प्रेस में। तुम प्रेस नहीं, प्रेशर कुकर हो। कितनी मुझे प्रेशर कुकर कहा? तुम्हारा टेट और दबा दूंगी। वो हमेशा मर्दों को आता है, पर औरतों को भी आ सकता है। क्या आता है? गुस्सा। अच्छा वो? मैं तुम्हें फेसबुक पर फिनिश कर दूंगी, ट्विटर में ट्विस्ट कर दूंगी, और व्हाट्सएप में वाट लगा दूंगी तुम्हारी। रुक सब, कौन है? तुम्हारे पिट्टू है क्या? अरे ये इंटरनेट के बारे में बात कर रही है। वो कौन है? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, इसे पहले अरेस्ट तो करो। अरे ये जेल की ही चिड़िया है, मेल में ही बेल ले लेगी। हाँ, इसे कैसे कंट्रोल करता हूँ देखना। अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं करूँगा। बोलो सुभाष। सर रेड्डी को बेल मिल गई है सर। सर हमारी बहुत बेइज्जती हो गई। हुआ क्या था? रेड्डी को बेल पर छुड़ाने के लिए दिल्ली से 8 वकील आए थे सर। और बेल कैसे मिली? हमने ही कमिश्नर को मारा, ऐसे कह के 3 लोग सरेंडर हो गए सर। उनमें से 2 पुलिस इनकाउंटर से बचकर भागी हुई क्रिमिनल्स हैं सर।
उन्होंने जो मर्डर की वजह बताई वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। एक ने कहा कि कमिश्नर ने उसकी बीवी को फिजिकली हैरेस किया और उसने झूठी गवाही भी दी कि उसकी बीवी को बचाने के लिए उसने अपने दो साथियों की मदद ली। कमिश्नर एक भले आदमी थे, उनका नाम खराब हो गया सर। सीबीआई के वकील ने एक भी शब्द नहीं बोला सर। ये सब कुछ रेड्डी ने ही किया है। ये विट्ठल का किया धरा है, अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे ओ डीसी, देख ली ना मेरी पावर क्या है, देख ली ना, सुन लिया ना, कोर्ट में जो कुछ हुआ सुन लिया ना। इस पावरफुल आदमी को बिना पावर वाले कमरे में बैठाया था। आज शाम तक देख लेना, तेरी पावर खत्म कर दूंगा और कल शाम तक तुझे खत्म कर दूंगा। सर सीबीआई से फोन है सर, आपको तुरंत बुलाया है। मैंने कितनी बार कहा लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। बार बार कहती रही कि मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता, लेकिन जो जिंदा है उन्हें शांति से रहने दो। आखिर हो गई ना बेइज्जती, आपने तो अपनी मनमानी कर ली है। इज्जत से जीने वाले कभी चैन से मर भी नहीं सकते। मेरी दोनों बेटियां स्कूल से बेइज्जत होकर आई, मोहल्ले वाले हमें शक की नजरों से देखने लगे। अब तो मुझे और मेरी दोनों बेटियों को समुंदर में डूब कर जान देनी होगी। आप और आपका पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्यों मरे? जिस हिम्मत और जिस गुरूर के साथ आपने उस रेड्डी को अरेस्ट किया था, उसी हिम्मत और गुरूर से उस रेड्डी के केस को खत्म कीजिए और साबित कीजिए कि मेरे पति इज्जतदार और ईमानदार थे। नहीं तो बोलिए, रेड्डी को किस लिए अरेस्ट किया था? इन्होंने रेड्डी से रिश्वत मांगी थी, रेड्डी ने मना कर दिया तो कमिश्नर के मर्डर का झूठा इल्जाम उन पर लगा दिया। रेड्डी के साथ इनके अच्छे संबंध थे, इसमें आर्टिकल भी छपा है। इस बीच आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, वजह बता सकते हैं? आपको कैसे पता मैं ऑस्ट्रेलिया गया? विट्ठल प्रसाद ने बताया ना? शायद आप सभी उसी के लिए काम करते हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडिया के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए? मिस्टर सिंघम, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हम आपको सीबीआई से टर्मिनेट कर सकते हैं। सीबीआई के पास केस आते ही जनता को लगता है उन्हें इंसाफ मिलेगा, उनका भरोसा मत तोड़िए। मुझे सब कुछ पता चल गया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे अभी सॉरी की जरूरत नहीं है, मुझे साइन चाहिए ताकि मुझे इतनी फ्रीडम मिल सके कि मैं एक एक गुंडे को जड़ से उखाड़ दूं, ताकि आइंदा कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचे। यस। सर मंत्री की गाड़ी को सीज करो। श्योर सर। रेड्डी के पालतू ऑफिसर्स का ट्रांसफर करना होगा। श्योर। तूने हमारे ऊपर हाथ उठाया, हम जस्ट से कंप्लेन करेंगे। जिंदा रहेगा तब बोलेगा ना। अगर कोई गलती करता है और वो भी जानकर, तो भले ही वो भगवान क्यों ना हो, मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। झूठी गवाही क्यों दी? सॉरी सर। पैसों के लिए कुछ भी करोगे? एक मरे हुए शरीफ ऑफिसर का नाम खराब किया? कर दीजिए सर। माफी मांगने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। क्या हुआ? छाती ठोक कर गवाही दी थी ना कि पुलिस ऑफिसर ने तुझे मारा? पुलिस मारती है तो ऐसे मारती है। सुभाष सर, रेड्डी के खिलाफ ये लोग अप्रूवर बन गए थे। रेड्डी को जब ये पता चला तो उसने इन दो लोगों को जज के घर जाते समय टपका दिया। यही कहानी तो जज को बताएगा। ओके।
रेडी, तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। गाड़ी घुमाओ। उसे इन्फॉर्मेशन मिल गई, अब वो भागे। सर, मुझे बचा लो सर। दंगा करने वालों के खिलाफ हमारे ऑनेस्ट इंस्पेक्टर सिंघम ने कड़क एक्शन लिया। पूरे इंडिया में आप लोग 40 लाख मछुआरे हैं, 20,000 बोट्स में आप समुद्र में जाते हैं। आप लोग वाकई बिना वर्दी की आर्मी है, बिना ट्रेनिंग वाली नेवी है, और आप लोगों को पार करके कोई भी अपराधी हमारे देश में घुस नहीं सकता। आजकल 100 एकड़ से भी ज्यादा सरकारी कचरों के मैदान में मेडी वेस्ट डालकर जहर फैलाया जा रहा है। हमें इसे रोकना होगा, और इसलिए हम सबको मिलकर हमारे लिए और हमारी आने वाली जनरेशंस के लिए किसी भी हाल में रोकना होगा। हेलो, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहती हूँ। अभी मिलना चाहती हूँ? हाँ अभी। ठीक है, आ जाओ। ये आपको क्या हुआ है? आप सीबीआई ऑफिसर बनके यहाँ आए थे, फिर किससे पूछकर आपने यूनिफॉर्म पहनी? अब मैं रुकने वाला नहीं, और ना ही तुम मुझे रुकना। ये शहर बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ क्यों संघर्ष कर रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब छोड़कर वापस गांव चले जाते हैं। मेरी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे रोकूंगा, डर के पीछे नहीं हटूंगा। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो जाओ और आराम की जिंदगी जियो। सबके सामने तुमने अपना मुंह खोला, इसलिए डिवोर्स हो गया, ऐसा बोलना पड़ा सर। मुझे अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए। कौन डील कर रहा है? मैं डील कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है बोलो? मेरी वाइफ बहुत बहुत दिखा रही है। क्या दिखाती? गुस्सा, कभी दिखा दिखाओ कहने से भी नहीं दिखाती। क्या दिखाती? प्यार और क्या। इसकी बात समझ में नहीं आ रही है सर। 3 साल से हमारा लिव इन रिलेशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन शादी के 3 महीनों बाद ही सब लूज हो गया। व्हाट आई डू? ये लिव इन का क्या मतलब है? बिना शादी किए एक लड़की लड़का एक साथ रहते हैं, जब मर्जी तो पास आते हैं, जब मर्जी तब दूर जाते हैं। क्या राइट है? अगर डिवोर्स करने से शादी में मिले हुए पैसे वापस लौटाने का रूल बनाया जाए तो क्या डिवोर्स करोगे? आप लोग यहाँ पे क्यों वेट कर रहे हो? डिवोर्स के लिए। डिवोर्स चाहिए। हमारे कंटेनर को क्यों रोका गया है? मेरी चटनी डैड, मैं विशाखापट्टनम जा रहा हूं, कल 12 बजे तक वो सीधा ऑफिस आकर मुझसे मिलना चाहिए। ओके विट्ठल सर। रेड्डी, तुम अपने गांव में छुपकर क्या कर रहे हो? तुरंत आओ, विशाखापट्टनम हमारे कंट्रोल में होगा। मैं विशाखापट्टनम में लैंड हो गया हूँ। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं, वो 12:30 बजे तुम्हारे ऑफिस में आएगा। सर, सीएम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या? कोई टेंशन की बात नहीं, मैं सब मैनेज कर लूंगा। मैं कुछ समझा नहीं, किस लिए? स्टेट मिनिस्टर से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर तक कंटेनर्स को रिलीज करने के लिए प्रेशर डालते हैं। डैड, मैं 2 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। 12:30 बजे तक आपको ऑफिस में मिलने के लिए कहा जा रहा है। मैं जानता हूं आप उससे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। नो सर, आई एम रियली इंटरेस्टेड। ए डीसी, चेक योर टाइम।
क्यों, अब तो समझ गए होगे तुम। जब तुम ऑस्ट्रेलिया में थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें इस वक्त मुझसे मिलना होगा। एम आई राइट? अब तो तू समझ गया होगा। दैट्स द पावर ऑफ मनी। पैसे जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं और चीजों के लिए होती है, नशे के लिए नहीं होती। 60,000 का पगार कमाने वाले 20,00,000 की रिश्वत लेते हो, ये तुम्हारा शौक है। Then multiply my money again and again, ये मेरा शौक है। 64,00,000 लोगों ने मेरी कंपनी का शेयर्स खरीदा है। 11,300 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं। मैं वर्ल्ड के सब इंपॉर्टेंट कंट्रीज में घूम चुका हूँ। इंडिया के 7% इकोनॉमी में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड ऑन दी अदर हैंड तुम 7 दिनों में मेरे बिजनेस को बर्बाद करना चाहते हो। कौन सी गलती की मैंने? कचरे को कचरे के मैदान में ही डाला तो क्या गलती की? तेरे देश में तो रास्ते में कचरा फेंकते, दीवारों पर पेशाब करते, पूरे देश में कचरे का मैदान है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस कंट्री। काम की बात कहो। मेरे कंटेनर्स को जो तूने ब्लॉक किया है, सबसे पहले उसे रिलीज कर। टोल बूथ में बैठकर टोकन बना और फिर रेड्डी की फाइल तुरंत क्लोज कर। तो तुम चाहते हो कि मैं रेड्डी की फाइल क्लोज करूं? यस, आई क्लोज इट। सर रेडी अभी कहाँ है? वाइजेक की तरफ आ रहा है सर। कितने किलोमीटर है? सर 80 किलोमीटर। गाड़ी रुको रुको रुको, गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। श्रीनिवास सर, इसे ऐसे छोड़ दिया तो कितनी देर जिंदा रहेगा? 3 से 4 घंटे सर। ए, तुझे धीरे धीरे मरते हुए देखकर हम लोग मजे लेने वाले हैं। बैठो, तुम लोग बैठ जाओ। ए, पुलिस वाले मुझे मार दे। दर्द हो रहा है? बिना दर्द के मरना चाहता है? मरना आसान है, जीना मुश्किल है। अच्छे इंसान बनकर जीना बहुत मुश्किल है और दूसरों को तकलीफ दिए बिना जीना बहुत बहुत मुश्किल है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को तुमने बेरहमी से मारा और फिर कोर्ट में सरेआम उसकी बेइज्जती भी की। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा, टपका दूंगा। 6 साल पहले तूने विठल के पिताजी की कुर्सी बचाने के लिए शहर में दंगे फसाद करवाए, याद है ना? उन दंगों में एक स्कूल वैन में बैठे हुए 18 बच्चों को तुमने मौत के घाट उतारा। पता उनमें से एक बच्चा किसका था जानता है? उस मासूम बच्चे का बाप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर सुभाष। सुभाष, तुम्हारे दिल का दर्द कभी मिटेगा तो नहीं, लेकिन कम हो सकता है। इसे मौत के घाट उतार कर शूट हिम। चलो। राजा की तरह जीने वाला आज एक लाश बनकर लेटा हुआ है। आखिर ऐसा करने के लिए सिंघम की हिम्मत कैसे हुई? क्या इस देश में पुलिस को इतनी पावर दी गई है? पहले डैड से बात करके कंटेनर्स को मूव करवाइए सर। उन्हें फोन लगाओ। एक पुलिस वाले का परिवार
क्रिमिनल से डरकर शहर छोड़ दे, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप लोगों के साथ हम सभी लोग हैं। सुनो बेटा, अब मेरी बेटियां चैन से स्कूल जा पाती है। हेलो विशाल, मेरा हीरो कहाँ है? मुझे उससे अभी देखो विद्या, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, उनकी पत्नी अभी भी उनके साथ है, इसलिए अब तुम अपना इरादा बदल लो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने विश्वास ही नहीं किया। मुझे जैसे समझ में आता वैसे कह सकते थे, इस तरह बताते कि मैं विश्वास कर लेती, मुझे डांट कर समझा सकते थे आप, मुझे थप्पड़ मार कर समझा दिया होता। अब तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ विद्या, क्यों? मेरा ट्रांसफर कर दिया है सर। सर, सिंघम ने फिर से कंटेनर्स को ब्लॉक कर दिया, पूरी मीडिया वहां मौजूद है। What the hell? Switch on the TV. Yes. सर, कंटेनर्स को क्यों रोका आपने? सारे कस्टम पेपर्स क्लियर किए हैं मैंने, आपको इसे रोकने का कोई हक नहीं है। अच्छा तो सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कस्टम्स के एरिया पर सिर्फ 340 एकड़ का है और बाकी का पूरा एरिया हमारे कंट्रोल में है। So shut your mouth. क्यों नहीं कर रहे? कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कहेंगे गलती से स्क्रैप भेज दिया और वापस करने की बात करेंगे। इसके पीछे किसका हाथ है सर? ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन हो सकता है या सोसाइटी का कोई बड़ा आदमी पॉलिटिकली कनेक्टेड। आप सिर्फ हो सकता है कह रहे हैं, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे सर? hey, मैं जानता हूँ इस वक्त मुझे देख रहा है। ठीक 11 बजे मुझे पुलिस स्टेशन में आकर मिलना। लेकिन वो यहाँ नहीं है। पूरी मीडिया पूछ रही है इसके पीछे कौन है। अगर मैंने मुंह खोला तो 40 मीडिया वाले, 400 पुलिस वाले, कस्टम्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तहसीलदार, कलेक्टर सब वहाँ पहुँच जाएंगे। हो सके तो वो आएंगे। हो सके नहीं, उसे आना ही होगा। और उसे कह देना अपने चेले चमचों को मत लेकर आना, अकेले ही आना। स्कीटो, सब लोग थोड़ी देर बाहर जाइए। उस दिन अपने ऑफिस में तूने मुझे जिद करके बुलाया था ना, उसी दिन मैंने तुझे अपने पुलिस स्टेशन में बुलाने की जिद ले ली थी। क्या कहा था? दिस इज द पावर ऑफ मनी, दिस इज द पावर ऑफ पुलिस। पैसा कमाने का नशा है ना तुझे, तुझ जैसे नशेड़ी को तो गंदी नाली में सड़ना चाहिए। माइंड योर वर्ड्स, मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूँ। ऑस्ट्रेलिया में रहकर तूने ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप तो ले ली, लेकिन तू है तो एक इंडियन ही, और अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले को ये सिंघम छोड़ता नहीं। जो किसान मेहनत करता है, खेती करता है, हमें अन्न देता है, तूने उन्हीं के पानी में जहर मिलाया। 32 मासूम बच्चे तेरी वजह से मारे गए, तुझे शर्म नहीं आती? तुझमें जमीर नहीं है क्या? ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, फिर भी दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हो। अपने देश को बदनाम करना अपनी ही माँ की बेइज्जती करने जैसा है। चॉकलेट खाकर पेपर अपनी पॉकेट में रखने की आदत आज हमारे इंडिया के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को है। हर जगह डस्टबिन लगे हैं, घर घर में टॉयलेट भी जरूर होगा। उस दिन हमारा देश किसी और मुकाम पर होगा। मेरे देश को कचरे का ढेर बोलता है। 7,516 किलोमीटर्स ऑफ सी शोर, 10% हिल स्टेशन, 3,27,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डेजर्ट, 6,85,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, 58% एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब है मेरे देश में, समझा? एंड नाउ वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द वर्ल्ड। चाहूं तो इसी वक्त तेरी शर्ट पैंट उतार के तुझे लॉकअप में बंद कर दूं, लेकिन अभी वैसा किया तो तेरे एम्प्लॉयज और तेरे कंपनी के शेयर्स खरीदने वाली मासूम जनता पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं तुझे एक मौका देता हूं, तेरे काले धंधे छोड़कर सरेंडर हो जा और इंडियन पीनल कोड के तहत तू बच जाएगा, वरना तुझे गेट आउट। क्या हुआ साहब? कहां है तू? मैं मुंबई में हूं। तुरंत विशाखापट्टनम आ जाओ। ठीक है साहब, पहुंचता हूँ।
बोलेगा। ए, और ए, ए, और ए, करो। ये क्या करो? कितने छोटे बच्चे को ऐसे मारते हैं? इसे जो भी बोलो ये उठपटांग बातें करता है, गाली बकते हैं सर। अच्छा। अम्मी अभी भी आपस में 500 से 1000 गालियां बकते हैं। सर इस उम्र में ये कितनी गालियां बकता है, एक सवाल पूछ के पता कर लीजिए। एनी एविडेंस सर? आप इससे कोई सवाल पूछिए, सबूत मिल जाएगा। हाँ मेरा बच्चा है। चलो बेटा अब बोलो, बोलो डैडी, मम्मी, डम्मी, एप्पल, चप्पल, घोड़ा। सर इससे ज्यादा मत पूछिए, आप सुन नहीं पाएंगे। सर मेरे पिताजी का नाम सुकेतु था और मैंने वही नाम प्यार से इसका रखा। सर आप ही सुन लीजिए ये क्या बोलता है। इसे डिटेल में पूछता हूँ। मेरे बच्चे दादाजी का नाम बोलो सुकेतु। इसे अरेस्ट कर लीजिए। देख लिया ना सर अपने कान से? इसको पकड़ के अंदर डाल दूंगा। जब घर में बच्चा है तो मियां बीवी को अच्छी बातें करनी चाहिए ना, वरना ये बच्चा क्या क्या सीख लेगा। अच्छी बातें का मतलब? अच्छी बातों का मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी सुनो, मैं बताता हूँ। मेरा सोना बच्चा, मेरे लाल, मेरे पीले, जैसे के अंकल यानी कि मैं बोलता हूँ वैसे ही तुम भी बोलना, ठीक है? गुलाब का बड़ा सा हार, नहीं समझे? गुलाब का बड़ा सा हार, काटो तेरी तो मैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का बिजनेसमैन हो सकता है या सोसाइटी का कोई। सर के मुताबिक जरूर विठल प्रसाद ही होगा। अगर उससे इंटरव्यू में कुछ ऊट पटांग के सवाल पूछे तो वो बता ही देगा। ये सब करना जरूरी है सिंघम सर के लिए? जरूरी है, मैंने जो गलती की है उसके लिए तो कुछ करना ही होगा ना। हमें सर का ऑर्डर फॉलो करना है। पिताजी। बेटा। बोलिए पिताजी। काव्या की दादी अभी दुनिया में नहीं रही। हेलो, हमें तुरंत गांव जाना होगा। ये अचानक क्या हुआ? एयरपोर्ट आ जाओ, वहां बताता हूँ। सिंघम एयरपोर्ट में है सर। और तुम कहाँ जा रहे हो? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए चेन्नई जा रहा हूँ। आखिर हुआ क्या? तुम्हारी दादी नहीं रही। लगता है उसकी वाइफ है उसके साथ। दोनों की फोटो निकालो और तुरंत भेजो। डिटेल्स निकालने तक उन्हें फॉलो करते रहना। बड़ा अजीब है, मुझे लगा उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन एक तो है। सिंघम सीट नंबर 14 है, काव्या सीट नंबर 14B। चेन्नई टू रिकॉर्डिंग फ्लाइट में ऑलरेडी चेक इन कर चुके हैं सर। राजीव का उसी फ्लाइट में एक सीट बुक करो। जी सर, गाड़ी वापस। ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाओ। जी सर। सिंघम की वाइफ है, इंडिया साइकिल ओनर की बेटी है वो। तू विठल के धंधे संभालता है ना? तू तो मीटिंग के लिए चेन्नई जा रहा था, मुझे क्यों फॉलो करने लगा? सर हम वहाँ आए। ओके सर। तूने फोटो व्हाट्सएप से भेजी, रिप्लाई तुझे टेलीग्राम पर मिला। तुझे चेन्नई जाना था लेकिन तू आया टूटी कोरे एयरपोर्ट पर और मुझे मेरे गाँव तक फॉलो कर रहा था। सर विठल। राजीव उस लड़की की डिटेल्स मिल गई है, तू तुरंत वापस आ जा। और वापस नहीं आएगा। दिस इज वन वे ट्रैफिक, देयर इज नो वे बैक। यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि अब ये टूटीकोरन के कोर्ट में तेरा नाम लेगा और उसकी गूंज तुझे विशाखापट्टनम के कोर्ट तक सुनाई देगी। ये एक बोट अंडमान जा रहा है, इसको उस पे चढ़ा के भेज दे क्या? नहीं नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे एक बोट में बिठा के बीच समंदर में छोड़ देना। तुम यही रुको, मैं अंदर जाती हूँ। यस सर, मिस विद्या हैज कम फॉर एन इंटरव्यू विद यू सर। मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, उसे जाने के लिए कहो। सर इसे सिंघम के बारे में गलत आर्टिकल लिखा था। उसे उधर ही उतार दो। मैं
सर, इस लड़की के बैग में हिडन कैमरा छुपा हुआ है, रिकॉर्डिंग मोड में। उसके डिटेल्स चेक करो और मुझे तुरंत बताओ। सर ये तो सब जानते हैं कि आप स्टील इंडस्ट्री। जस्ट अ मिनट। ये लड़की सिंघम की लवर है सर। What was the question you were asking? Iron waste आप कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं? Next. मैंने पूछा कौन सी कंट्री से? तुम सारे सवाल पूछ लो, मैं एक ही आंसर दूंगा। ऑस्ट्रेलिया में आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपने ई वेस्ट, मेडी वेस्ट, तुम्हें उस सिंघम ने भेजा है ना? सर, तुम्हें उस सिंघम ने भेजा है ना? सर, मुझे फंसाने के लिए भेजा। तुम एक जासूस बनना चाहती हो? स्पाई? मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? मुझे फंसाओगी? यहाँ इंटरव्यू में नहीं है। ये सब क्या कर रहे हो? ये लड़की बहुत काम की है, इसे कब्जे में करके हम राजीव को आसानी से बाहर ला सकते हैं। यू आर राइट। हे, इसे बेहोश करके पैक करो। नहीं, वो यही आएगी। हेलो सर, मैं आंध्र टुडे से विद्या की दोस्त बात कर रही हूँ। वो आपकी हेल्प करने के लिए विठल प्रसाद का इंटरव्यू लेने आई थी। उसने मैसेज किया कि वो प्रॉब्लम में है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि वो इधर आई नहीं। उसका फोन नंबर भेजो। हे सिंघम, डायरेक्ट लाइन पे आ गया। मेरा उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं, उसे छोड़ दे। संबंध नहीं है तो फिर कॉल क्यों किया तूने? वाइफ को फैक्ट्री में रखकर दुनिया को बताया कि डिवोर्स हो गया और इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। You idiot! Your wife is beautiful. She's just superb. She's so man. Then why this girl? I want my men in Vishakhapatnam in next 3 hours. मैं उसे छोड़ देता हूँ, पर वो बाय रोड ही आ पाएगा। Why? पुलिस कस्टडी में है, फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सकता, और उसे चोट भी लगी है। चोट लगी? Shit! सर, ड्यूटी कॉलिंग टू विशाखापट्टनम, व्हाट इज द डिस्टेंस? 1382 किलोमीटर की जर्नी है सर। और उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, जल्दी पता करो। नायडू पेट टोल प्लाजा आफ्टर नेलोर सिटी। हे सिंघम, आई एम गिविंग यू 11 आवर्स। नायडू पेट टोल प्लाजा सेंटर पॉइंट है, वहां आकर उसे मेरे हवाले कर दे। आई एम गोइंग टू कॉल माई मैन एवरी 1 आवर। वो मेरी तरफ आना चाहिए और मैं तुझे हर 2 घंटे में फोन करूंगा। तुझे मेरे फोन का जवाब देना पड़ेगा और तू ड्यूटी कॉलिंग में ही रहेगा। अगर तूने अपनी सिंघम गिरी या होशियारी गिरी दिखाई, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, 25 किलोस फ्लैश, 35 किलोस ऑफ बोन्स एंड 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, सब कुछ तेरे लिए सड़क पर है। तू अब तुरंत निकल जाइए। नहीं काव्या, अभी कैसे? फिक्र मत करो, काव्या की बहन लंदन से कल सुबह ही आएगी। हम यहाँ सबको संभाल लेंगे, तुम चले जाओ। मुरली, मेरा मोबाइल का सिग्नल सिर्फ 2G कॉन दिखाना चाहिए। विशाखापट्टनम ट्रैवल करते समय मुझे सारी कॉल अटेंड करनी है, कॉल डायवर्ट नहीं होना चाहिए। कोई रास्ता है? आप एक प्रीपेड कार्ड खरीदिए सर, उसके पीछे एक सिम नंबर होगा। वो नंबर मुझे भेजिए सर, आधे घंटे में डबल एक्टिवेशन कर दूंगा मैं। सर, बोट अभी भी समुद्र में है सर। बोट को वापस ले आओ। इसे गाड़ी में बैठाओ। इसे लेकर फौरन निकलो। यस सर। मैं फ्लाइट से विशाखापट्टनम जा रहा हूँ, तुम लोग नायडू पे टोल गेट रात को 3 बजे पहुंचोगे, तब तक मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा। ओके सर। और आप सुनिए, आप अपने आदमियों के साथ 300 मीटर की दूरी से उस जीप को फॉलो करेंगे, बाकी मैं फोन पर बताऊंगा। मैं 30 को लैंड करूंगा। विद्या की फ्रेंड से डिटेल्स लो और सर्च शुरू करो। ओके सर। हां राजे, कहां हो तुम? हम राजमुंद्री क्रॉस कर चुके हैं सर। कार नंबर से आउटर सिटी के सारे टोल गेट्स को चेक करो, मैं वहां 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके सर। सिंघम कार इस इंटरटू को ओनली सर, नाइट पे 200 किलोमीटर की दूरी पर है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं सर। सर, जिस गाड़ी को हम ट्रेस कर रहे हैं वो पोर्ट टोल गेट को क्रॉस कर गई है सर। सर आइए सर, यही वो गाड़ी है। जूम इन करो, ये गाड़ी कहां तक पहुंची होगी? NH5 के सारे टोल गेट आप यहां देख सकते हैं सर। सर वो गाड़ी इस टोल गेट के पास थी। तो फिर से इसी टोल गेट से क्रॉस हुई होगी। रिटर्न व्हीकल्स की फुटेज दिखाओ। सर 8 मिनट में वही गाड़ी वापस आई है सर। उसे किसी और गाड़ी में शिफ्ट कर दिया होगा। 5 to 5:30 के बीच इस टोल गेट में वापस आई सारी गाड़ियों की फुटेज दिखाओ। यस सर। इनमें से कौन सी गाड़ियां इस टोल गेट से पहले नहीं गई?
अभी सर, एक एम्बुलेंस इसके बाद वाले टोल गेट को क्रॉस करके हमारी तरफ आ रही है सर। यही वो एम्बुलेंस है सर, और अगले वाले टोल गेट से तुरंत वापस चली गई। तुरंत वापस चली गई तो चली थी ट्रस्ट की। जूम इन नंबर 4151 सर। अब सिंघम कहाँ है? सिंघम अभी टूटी कॉरिन में है। यस सर, कैन आई हेल्प यू? दरअसल एक बीमार लड़की मिसिंग है, वो यहाँ पर एडमिट है। चैरिटी हॉस्पिटल है और अभी आधी रात को आप चेक करेंगे तो सारे पेशेंट डर जाएंगे सर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थैंक यू डॉक्टर। सर ये क्या किया आपने? उस लड़की को यहाँ लाकर रख दिया, पुलिस वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ आकर परेशान कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? सिंघम भाई में है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सर आप फिर से यहाँ क्यों? पुलिस को बेवकूफ समझाए, तेरी बात सुनने के लिए मैंने इसे यहाँ रखा था। सर हम टोल गेट पहुंच गए। होल्ड ऑन, वेट फॉर माय ऑर्डर। वो लोग आ रहे हैं सर। जस्ट अ मिनट। टेक इट बैक। मुझसे बदला लेने के लिए विठल ने एक लड़की को बहुत चोट पहुंचाई है। बाहर के हॉस्पिटल सेफ नहीं है, फैक्ट्री के हॉस्पिटल में ले जाऊं? तुरंत ले जाइए, वहां सब रेडी होगा। प्रोपोफोल को मॉक्सिन में मिलाकर उसे ओवरडोज दिया गया है, इसलिए उसे तीन दिन से पहले होश नहीं आएगा, पर उसे ऐसे ही छोड़ना रिस्क वाली बात है। इट लीड्स टू कोमा स्टेज। तो सर इसे होश में कैसे लाएं? ब्लड डायलिसिस से सर। मैं अरेंज करती हूँ। आपको यह साइन करना पड़ेगा सर, इट्स अ प्रोसीजर। सेंट्रल मिनिस्टर रामप्रसाद आपसे बात करना चाहते हैं। आपका दामाद मेरे बेटे को बहुत परेशान कर रहा है। आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? अगर आपके दामाद को बीच सड़क पर मार दिया जाएगा तो सवाल मुझसे मत पूछिएगा। और बीच सड़क में मेरा दामाद अगर आपके बेटे को मार डालता है तो? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सर मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ की संपत्ति उसी की है, लेकिन ये सारी संपत्ति छोड़कर वो सिर्फ 65,000 की नौकरी कर रहा है, तो समझ जाइए कितना डेडिकेटेड है वो। पहले अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए बोलिए। जब से कहो रात को 10:30 बजे अरेस्ट वारंट चाहिए, लेकिन ये मत बताओ किसका अरेस्ट वारंट। मेरी जज से होने वाली हर एक बात, हर एक एविडेंस का लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। ये लो हैदराबाद की टिकट। इसलिए विद्या को उसके घर छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी सर। देखो मैं अपने बहुत अपनों को खो चुका हूँ और नहीं। क्या कहा आपने सर? मैंने कहा वापस जाओ। आप कुछ अपनों की बात कर रहे थे ना, मुझे लगा कि मेरी गलती की वजह से आप मुझे दुश्मन समझेंगे, बट यू स्टिल केयर फॉर मी। मुझे जब आपसे प्यार हुआ तो मुझे लगा मैं आप पर एहसान कर रही हूँ, जब मुझे पता चला कि आप किसी और के हैं तब मैं समझी मुझे कितना प्यार है आपसे। आपको नहीं भूल सकती सर। बेटिया मैं एक पागल लड़की हूँ सर, एक दिन कमरा बंद करके रो लूंगी तो सब कुछ भूल जाऊंगी सर। प्लीज मेरी तरफ से अपनी वाइफ को सॉरी बोल दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। अरे उस गाड़ी को क्या हुआ? सर वो स्टार्ट नहीं हो रही है। अंदर जाओ। ठीक है भाई। यहाँ लाल रंग की गाड़ी है। बैग रख दो।
वालों को अंदर आने क्यों दिया? इस केस की डिटेल्स को मीडिया को बताने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है सर? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए केस क्या है? एनी एविडेंस? गोविंदराज। यस सर। ये क्या है? यूनिवर्सिटी से मेडी वेस्ट उठाने के कुल मिलाकर 435 डॉक्यूमेंट्स और अग्रीमेंट्स हैं। ये सब इसके पास कैसे आया? ये सब तो कंप्यूटर के सॉफ्ट कॉपीज में थे। मैं पासवर्ड भेज रहा हूँ, रुको। ये सब डॉक्यूमेंट एविडेंस है, ये काफी है। विठल प्रसाद का बेनामी राजीव कृष्णा है और वो अप्रूवर बन गया है। Someone has hacked our system, sir. What are you saying, Vanessa? It's all downloaded in an Indian server, sir. Oh, shit! Video conferencing with the police department cannot be accepted. Uske bagal mein, 2G Karan district court judge aur collector hain. उसका पासपोर्ट तुरंत सस्पेंड कर, वो सिटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। सुबह आने से पहले उसे उठा लेते हैं। क्या हुआ सर? एमडी साहब यहाँ पर नहीं है। अरेस्ट हिम सर। विठल का नंबर इसके नगर एरिया में स्विच ऑफ हुआ है, उसे ट्रैक नहीं कर पाया। दूसरे नंबर से अपने बाप को कॉल किया होगा। फाइंड आउट दैट नंबर। सेंट्रल मिनिस्टर को रात 12 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आया सर। मुरली सर, क्या सिग्नल ट्रायंगुलेशन से सेंट्रल मिनिस्टर के आसपास के सभी नंबर्स का पता कर सकते हैं? इट्स पॉसिबल सर। क्विक सर। सर, मिनिस्टर के नंबर के पास एक लंदन का नंबर था और उस नंबर में ऑस्ट्रेलिया के नंबर से कॉल आया था सर, और वो नंबर 12:15 पे एसके नगर पे ऑन हुआ था सर, और उसके आधे घंटे के बाद वो टॉल गेट से हाईवे पर मूव हो गया सर। पक्का यही नंबर है, इसे फॉलो करते रहो। इसी स्पीड से 2 घंटे में विजयवाड़ा क्रॉस कर जाएगी सर। विजयवाड़ा के लिए अभी कोई फ्लाइट है? 1 घंटे में है सर। सर्वो सिग्नल विजयवाड़ा से ट्रेवल करते हुए हैदराबाद की तरफ बढ़ रहा है सर। ये तो कंफर्म है कि ये मलेशिया जाने वाली फ्लाइट पकड़ने की कोशिश कर रहा है सर। अब ऑलमोस्ट सिग्नल से 20 किलोमीटर दूर है सर। सर आप 500 मीटर की दूरी पर है वहां से। मेरे आगे तो सिर्फ एक कंटेनर ही है, उसी का सिग्नल दिखाई दे रहा है सर। इसे ओवरटेक करो। कम ऑन सर, आगे बढ़िए। वो सिग्नल इसी जगह पे दिखाई दे रहा है सर। ओके। पूरा चेक करो। क्या हुआ सर? सर ऊपर तो कुछ भी नहीं है, अंदर भी कुछ नहीं है सर। वो लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर 12 किलोमीटर है, फिर तेलंगाना आ जाएगा सर। मिनिस्टर को उसी लोकेशन से आउटगोइंग कॉल जा रहा है। क्या बोल रहे हो? और उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कंटेनर 40 फीट का ना? हाँ सर। क्या हुआ सर? ऑफिसर अंदर जाके चेक करो।
कौन सी सिटी से? विशाखापट्टनम। वो विशाखापट्टनम है, ये तेलंगाना है, आपको अलाउ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी, एक क्रिमिनल भाग रहा है, उसे रोकना है। तो हम देख लेंगे। उसका पासपोर्ट ब्लॉक किया गया, उसे अलाउ कैसे किया? सब इमिग्रेशन में देखा जाएगा, प्लीज गेट आउट। जेसी, अभी तक मेरे डैड और सीएम विशाखापट्टनम पहुंच गए होंगे। उनके पहुंचने ही मैं एक घंटे के अंदर बाहर आ जाऊंगा और उसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया। और एक हफ्ते में दो कंटेनर्स इंडिया आएंगे, एक विशाखापट्टनम में और दूसरा ट्यूटी कोरिन में। और उसके बाद एक ही मिनट में दोनों शहर इंडिया के मैप से हटा दिए जाएंगे। तुझे लग रहा है मैं तुझे कोर्ट लेकर जाऊंगा? रास्ते में एक गोदावरी नदी आती है, ब्रेक फेल होकर यह गाड़ी नदी में गिर जाएगी 40 फीट नीचे। हम तो बच जाएंगे और तू हथकड़ी की वजह से डूब जाएगा। और कितनी दूर है?
से डर लग रहा है। ये धंधा छोड़कर सरेंडर करने को कहा था ना, सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं थी, धंधा ही छोड़ देता। लेकिन तू और 400 कंटेनर लाकर मेरे देश को बर्बाद करने पे तुला था, मैं तू जैसे ही छोड़ दूंगा। 32 मासूम बच्चों को तूने मार दिया, ऊपर से पुलिस स्टेशन में भी तूने बम ब्लास्ट करवाया, 2 कंटेनर मंगवा के शहर को बर्बाद करने की धमकी दी। उससे मैं गलती करने वाला सुधर सकता है, पर ताकत के जोर पर गलती करने वाला कभी नहीं सुधरता। मेरे देश को कचरे का ढेर कहा था ना, असली कचरा तो तू। श्रीनिवास अभी ठीक है सर। हेलो, मेरी शादी फिक्स हो गई है सर। कंग्रेचुलेशंस। मैं ना तो आपको इनविटेशन भेजूंगी और ना ही आपको शादी में बुलाऊंगी। मेरे फोन से आपके नंबर को भी इरेज करने वाली हूँ मैं, बस यही बताना चाहती थी। सर सुनो सिंघम, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। कहाँ हो तुम? 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा सर। ओके। तो क्या फिर से दूसरी जगह जाना है?